ओके हेलो एवरीवन कैसे भाई आप सभी उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे सो है वेरी गुड गुड मॉर्निंग टू ऑल सो सब वो सब हम आ गए हैं थोड़ा सा हम लेट हुए हैं क्योंकि भी कुछ क्लासेस हमारी चल रही थी ठीक है संडे को भी कुछ क्लासेस हमारी चल रही होती हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए एंड आई कैन सी राहुल इज देयर राजेश इज देयर प्रज्ञा इज देयर एंड मी ऑल्सो देयर प्रियांश इज देयर ठीक है चलो ठीक है भाई सभी बच्चे पहले सेशन को शेयर करो जहाँ जहाँ जिस जिसके जो जो ग्रुप है वहाँ पे बच्चों को शेयर करो सो so दैट बच्चे पहुँच पाए ठीक है इतना कम बच्चे में हम कैसे क्लास लेंगे सोच के देखो मैं सोच के तो ले लेंगे बट हाँ स्टिल सबको पता चल जाए तो वो ज्यादा बेटर है राइट right. एक बार हम शेयर करें सभी बच्चों को ठीक है मैं भी शेयर कर देती हूँ आप सभी भी शेयर करें देन विल स्टार्ट द सेशन और हंड्रेड क्वेश्चन की बिल्कुल रेल बना देनी हमने रेल का मतलब समझते हो क्या होता है खींचना है बहुत बुरे तरीके से फटाफट आंसर देना है फटाफट आंसर देना है टाइम मिनिमल यूज करना बिल्कुल मिनिमल टाइम आप लेंगे और जल्दी जल्दी आंसर आप करेंगे ठीक है जल्दी जल्दी आप सभी आंसर करेंगे ओके ट्वेंटी फोर ओके ओके लेट्स स्टार्ट द सेशन चलो ओके ठीक है सेशन शुरू कर लेते हैं हम निवेदिता हेलो बेटा निवेदिता येस आई कैन सी पूजा इज देयर एंड राजेश गोस्वामी राहुल पॉइ मिस प्रिया इज ऑल्सो देयर सभी बच्चे आ गए मतलब जिन बच्चों ने कहा था मैम हम आ जाएंगे वो सारे आ गए हैं तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ एक्स एक्सु कंजर्वेशन एक्स सीतु कंजर्वेशन का कौन सा मैथड नहीं है ये मैंने मैंने कल की ही क्लास में कराया था था आप लोगों को और मैंने आपको समझाया था कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन नॉट या फिर वाले की. इन वाले कि बताओ इनमें से कौन सा एक्स सीतु का इन सीतु का है या इसमें से कौन सा नहीं है एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग वाले काफी क्वेश्चन आते हैं कल की ही क्लास में हमने किया है जल्दी बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नेशनल पार्क माइक्रोप्रोपिगेशन एंड क्राइप यो प्रिजर्वेशन हमको बताना है नॉट अ मेथड ऑफ XC2 नॉट अ मेथड ऑफ XC2 गुड मॉर्निंग स्वाति लाइफ विद आकाश हेलो बेटा गुड मॉर्निंग यस गुड मॉर्निंग प्रज्ञा वी आर हैविंग टू टू प्रज्ञा ओके पूजा हेलो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को जल्दी बताओ और देखो हमको पूरा सेशन रहना है अपना फोन का चार्जिंग चार्जिंग अपने सॉकेट अपने पहले करके रखो भैया ठीक है हमको सेशन नहीं छोड़ना है ठीक है आज कंप्लीट करने हमको हंड्रेड क्वेश्चन और आपको मैं हंड्रेड क्वेश्चन दूंगी 100 में आपको ऑन स्क्रीन कराऊंगी बाकी की हम जो करेंगे आप प्रैक्टिस के लिए आपको दे दूंगी मीनिंग वाले तो हम सबको पता है इन सी में आता है मैंने कल ही आपको बहुत सारी चीजें बताई थी जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राइट हमारे जो हॉटस्पॉट्स हैं ये कुछ ऐसे रीजनस है जहां पे हमारे इन सेतु प्रिजर्वेशन होती है हमारा प्रिजर्वेशन होता है

Axillary buds from slender and spirally called tendril in cucumber and pumpkin. स्टेम इज फ्लैट एंड फ्लैशिंग ऑफ चूनियन मोडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन स्टेम इन ग्रासन को स्टेटमेंट आपकी सही है कौन सी कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है देखो अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी स्टेटमेंट गलत है गलत वाली हमने बहुत जल्दी पता आ जाती है भैया है ना दो मिनट में पता चल जाता है कि हाँ यो

क्या हो जाएगा सी बी सी डी ई करेक्ट है आपका ए जो है ये वाला स्टेटमेंट गलत है लीफलेट जो मॉडिफाई होती है पॉइंटेड हार्ट हारथोन में वो सिट्रस एंड बोगनविलिया में नहीं होती हैं नहीं होती है है ना क्योंकि हमको बॉगनवलिया का पता है कि यहाँ पे लीफलेट्स थोड़ी होती हैं जो आपके ऐसे हार्ड उसमें ट्रेंडल हो, थोर्न होते हैं आपके जो जिसकी बात कर रहा है वो लीफलेट्स नहीं होती हैं राइट तो करेक्ट स्टेट हमारा क्या हो गया सी हो गया नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट आपकी दो स्टेटमेंट है टू थाउजेंड ये क्वेश्चन है आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया था और डिटो ये पेपर में भी आया था अगर आपको ध्यान है सेवटे वो बच्च वाले बच्चे जिन सेवटे वाले वो वाले बच्चे जिन्होंने टू में टू ट्वेंटी में पेपर दिया था सॉरी ये क्वेश्चन आपका डिटो पेपर में आया था और मैंने डिटो पेपर में आपका उससे

टू करेक्ट दो मिनट में पता लग जाना चाहिए यहाँ पे ज्यादा टाइम की बात ही नहीं है यहाँ पे ज्यादा टाइम की बात ही नहीं है दो मिनट में आंसर पता लग जाना चाहिए कि इसके अंदर इतना कुछ है नहीं इसके अंदर इतना कुछ है नहीं जल्दी बताओ भाई देखो क्या होती है हमको पता है डीकम्पोजिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो सिंपलर सब्सटेंस को हमारा जो डेट्रीटस होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है बट वो सिंपलर सब्सटेंस हमारा कैसा होता है इनऑर्गेनिक होता है है ना जिसके अंदर एक कन्वर्ट करेगी मान लो तुम्हारे तो पास कोई लीफ पड़ी है वो एक आपकी क्या है ऑर्गेनिक है बट वो जब उसको तोड़ेगी डीकम्पोज करेगी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सम मिनरल्स उस सब के अंदर क्या कर देगी चेंज कर देगी राइट तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए कि आपके पास डिकम्पोजिशन

सही होगी कि आपकी पहली जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक है सेकेंड वाली गलत है राइट right? आगे देखिए प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एम आर एन ए टू द प्रोटीन बिगिन एस उन एस आपकी प्रोसेस ट्रांसलेशन वाली जहां पे हम एम आर एन ए से प्रोटीन बनाते हैं ये कब शुरू होती है स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोजोम एनकाउंटर एम आर एन ई लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम काउंटर एम आर एन ए बोध सब यूनिट ज्वाइन टूगेदर टू बाइंड विद टी आर एन इज एक्टिवेटेड इन द लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोजोम एनकाउंटर एम आर एन ए बहुत ईजी आंसर है बहुत ईजी है कोई भी इसके अंदर दिक्कत की या परेशानी की बात नहीं है इसने यहाँ पे ये नहीं बोला है कि भैया वो प्रॉपरली कब होगी उसमें so, बिगिन बोला

होगा तभी तो एमआरएन आपके जुड़ेंगे ना तभी तो पॉलिजोम फॉर्मेशन होगी पॉलिजोम की फॉर्मेशन नॉन ट्रांसलेशन में नहीं होता अगर ट्रांसलेशन हो रहा है तभी पॉलिजोम बनता है तो यानी अगर आपका एक स्टेप भी आप शुरू कर रहे हो तो वहीं पे शुरू हो जाता है इनिशिएटिव स्टेप है ना सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि एम आर एन ए के ऊपर छोटी सी यूनिट लगे फिर बड़ी यूनिट लगेगी फिर ऊपर से बाहर राइबोसोम आएगा फिर आपकी आगे चीजें प्रोसीड होंगी बट स्टार्टिंग तो होंगी ना हमारे पास अगर तुम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हो ट्रांसलेशन पढ़ते हो वहां पर आपका एक रीजन आता है इनिशिएशन का पोर्शन आता है लास्ट में टर्मिनेशन का प्रोसेस आता है वो भी तो हमारे किसके अंदर आती है प्रोसेस में तो आएंगी ना तो याद रखो आपका ए आंसर होगा यहां पे ए आंसर होगा ठीक है आगे देखो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड कोएक्सटिंक्शन आर कॉसेस फॉर आर कॉसेस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कंपटीशन बायोडायवर्सिटी लॉस एंड नेटालिटी एंड नेटालिटी यस एंड नेटालिटी ऑल सिंपल प्राइमेट्स सॉरी ये क्या ऑल सिंपल प्राइमेट्स अभी मुझे ये समझ नहीं आया यस yes, बहुत बढ़िया मिस प्रिया बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा हमने कल की क्लास में ही ये करा है राइट right? आगे देखिए डीएनए फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए पॉलीमोर्फिजम जो होता है वो किसका किस चीज का बेसिस बनाता है किस चीज का बनाएगा जेनेटिक मैपिंग मैपिंग का का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन बताइए किस चीज का आपका एक बेसिस बनाया जाता है डीएनए पॉलीमोर्फिज्म का अच्छा हां डीएनए पॉलीमोर्फिज्म क्या है जिन बच्चों को नहीं पता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता है डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल का डीएन

आगे देखिए एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन एक्स ओर टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें मिलेगा बर्ड्स ग्रास ओपर एंड मोन्की एंड मोन्की तो वी ऑल नो हमारे पास मल्टीपल चीजें आती हैं फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्स एंड एक्स वाई आता है हमारे पास जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू आता है और हमारे पास अगर आपको ध्यान है एंड कंडीशन भी हमारे पास आती है आप सबको ये चीजें पता होनी चाहिए अगर आप एक्सो की बात करोगे तो एक्सो जो आपका है वो ग्रास ओपर में मिलता है जो कि एक इंसेक्ट है ड्रोसो में एक्स एक्स और एक्स वाई मिलता है जैसे ह्यूम के अंदर मिलता है जैसे मोंगीज में एक्स 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 वाई मिलता है एसिडिटो बर्ड में आपका जेड जेड और जेड डब्ल्यू मिलता है हैप्लोइड जो है ये आपको हनी बी में मिलता है ये आपका किस में मिलता है हनी बी के अंदर आपको ये देखने को मिलता है और ऐसे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा आगे देखिए आपके पास स्टेटमेंट गिवन है देखो आपको इन स्टेटमेंट से ना घबराना नहीं है जिन बच्चों को स्टेटमेंट नहीं करनी है आप उसको ऐसे करना आप लिख देना वाई लिखना यहाँ पे एक्सेशन पॉलीमरिज चेन रिएक्शन इज यूज इन डी एम्पलीफिकेशन उसके बाद यहाँ बिकॉज लिख देना रीजन की वजह बिकॉज द एम्पसिल रेजिस्टेंट जीन इज यूज एज सेलेक्टेड मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से करना एसरेशन पे वाई लगा देना रीजनिंग पे बिकॉज लगा देना अगर वहाँ पे वाई एंड बिकॉज आंसर सही बैठता है तो आप मान लेना दोनों स्टेटमेंट वेल एक्सप्लेन है अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ाहट में अगर कभी explanation में आए कि कि सही है कि नहीं है बट हमारे पास explanation का यहाँ पे है, है। बिल्कुल देखिए, पॉलिमरेक्शन रेजिस्टेंट जीन इज यूज एज सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन यस जल्दी बताइए यहां पे आंसर क्या होगा यहाँ पे आंसर क्या होगा यहाँ पे क्या आंसर होगा देखो अगर तुम इसको ध्यान से देखो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रियांशी देखो ये होना चाहिए स्पीड ये जैसे प्रियांशी करिए ना आंसर ऐसे आंसर होना चाहिए

कि वो इससे संबंधित नहीं है वो हम इसलिए करते हैं पीसीआर डीएनए एम्पलीफिकेशन में क्योंकि वो मल्टीपल कॉपी बना देता है एक साइकिल में तो वैसे तो स्टेटमेंट दोनों ठीक है बट रीजनिंग सही नहीं बैठी है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी कि वैसे तो दोनों सही है पर एक्सप्लेनेशन उसके करेक्ट नहीं है राइट एक्सप्लेनेशन उसके क्या नहीं है करेक्ट नहीं है बहुत बढ़िया राहुल बहुत बढ़िया राहुल Yes, बहुत बढ़िया बेटा डिवाइस कैन बी रिमूव ट मैटर इन एग्जोस्टेड फॉर्म अ थर्मल पावर प्लांट इज एस टीपी इन कैनेटर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैटेलिटिक कन्वर्टर ये टू थाउजेंड ट्वेंटी टू 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 का क्वेश्चन है भैया जल्दी से इसको करेंगे सभी आपका पर्टिकुलेट मैटर को हटाने में थर्मल पावर प्लांट्स में क्या चीज़ यूज़ की जाती है सो वी ऑल नो हमारे जो कोरोनाज होता है तुमको लगेगा मैम कोरोना का मतलब यहाँ पे वायरस कोरोना नहीं अब देखो हमारे हवा के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसको हम नहीं देख पाते जो 2.5 पॉइंट mm या फिर पीपीएम में आपके बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं राइट तो उनको हम क्या कर देते हैं नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल जो कि नेगेटिवली चार्ज है उनको हम कोरोना कह देते हैं और उन नेगेटिवली चार्ज को हम एनोड की बड़ी बड़ी प्लेटों के ऊपर चिपकवा देते हैं है ना तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर अब देखो मैंने तुमको पूरी कहानी सुनाई है ना अब मैंने पूरी तुमको कहानी सुनाई कि जो पार्टिकुलेट मैटर फैला होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज करेंगे उसके बाद पॉजिटिव पे चिपका देंगे वो क्लीन हो जाएगी है ना उसको नेगेटिव चार्ज करेंगे फिर पॉजिटिव के स्ट्रैंड के बीच में से निकालेंगे तो पॉजिटिव की तरफ चिपक जाएंगे

पहले इसका जब सेशन का शुरुआत हुआ ना तो सेशन आपके बाद में आया ये है ना आपकी मंजिल सीरीज बाद में आई है बट मंजिल सीरीज से भी पहले हम इस चैप्टर को कर चुके हैं इसको मैं एक बार वन शॉट में करा चुकी हूँ एक बार हम इसको अदर वे में भी कर चुके हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा देखो पहली स्टेटमेंट तुम देखो जरा ये बिल्कुल सही कह रहा है क्लिस्ट्रोगैमी जो आपके फ्लावर में बंद होते हैं नीचे की तरफ रूट साइड जो होते हैं राइट वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट कही है कोई भी गलत स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं कही है ये बिल्कुल सही है और दूसरा इसने कहा कि वहां पर कोई क्रॉस पोलिनेशन नहीं है नहीं है बेटा बिल्कुल भी क्रॉस पोलिनेशन नहीं और ये आपका डिसएडवांटेज है क्यों क्योंकि वेरिएशन नहीं आती है अगर जब तक किसी प्लांट में एनिमल में वेरिएशन नहीं आएगी वो अडप्ट नहीं कर पाएगा तो एक ये डिसएडवांटेज ही है कि वहां पे कोई वेरिएशन नहीं आती है तो इसका रीजन ये कि वो हमेशा बंद ही रहते है, तो है right? चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट आपको से, करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है ठीक है अच्छा बेटा ऐसे वाले क्वेश्चन तुमको काफी सारे देखने को मिलेंगे तो तुमको घबराना नहीं है तुमको घबराना नहीं है बिल्कुल भी ठीक है आसानी से हो जाते हैं ये करेक्ट स्टेटमेंट नाउ आपको सही स्टेटमेंट चुननी है देखो बहुत आसान है बहुत आसान है अच्छा चलिए चंद्र विजय ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी बताओ ये क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन मैं बता रही हूं आपको हर जगह काम आएंगे तुम कोई भी एग्जाम दे लो जिसमें बायोलॉजी आती हो बायो का कोई भी तुम एग्जाम दो ऐसे क्वेश्चन तुमको टकराएंगे ही टकराएंगे ये याद रखना और अगर जो बच्चे इन क्वेश्चन को देख के भागते हैं ना उन बच्चों को मैं स्पेशल एक बात बोलना चाहूंगी जब तक तो तो तुम पेशेंसली इनको सही नहीं करोगे इनको पढ़ोगे नहीं इनको लगाओगे नहीं ना तो बेटा कोई बात नहीं अगर तब तो तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो तब तक चीजें नहीं होगी आपने सचिन तेंदुलकर देखा है आपने विराट कोहली देखा है विराट कोहली की सेंचुरी देखी है सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी देखी है आपको लग रहा है उसने एक बार खेला होगा मैदान में बस नहीं उसने मैदान में हजारों बार प्रैक्टिस किया होगा तब जाके वो एक मैच अच्छा गया होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो आपको टिपिकल लगते हैं टाइम टेकिंग लगते हैं ताकि एग्जाम में अच्छा कर पाओ तो भागा मत करो इन क्वेश्चन से तो देखो अब यहाँ पेक्ड बिल्कुल सही बात है बिल्कुल टाइटली पैक होता है और उसमें कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है इवन रेप्लीकेशन भी लेट होता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया इसने कहा जो ऑक्टामर है वो आपका नेगेटिवली चार्ज डीएनए के चारों तरफ रैक्ट होता है न्यूक्लियोजोम में तो ये उल्टा ही बोल दिया अच्छा नहीं बिल्कुल सही बोल दिया इसने बिल्कुल सही बोल दिया ये तो सही स्टेटमेंट इसने कही है ये तो सही स्टेटमेंट कही कि भाई हमारे पास एक हिस्टोन ऑक्टामर होता है चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है उसको हम न्यूक्लियोजोम कहते हैं ये ट्रू स्टेटमेंट है आर रिच इन एंड दैट्स वेरी मच ट्रू बिल्कुल सही है तभी वो बेसिक है तभी वो पॉजिटिवली चार्ज है राइट फिर इसने कहा कि टिपिकल न्यूक्लियोजोम में फोर हंड्रेड बेसपेर नहीं बेटा फोर हंड्रेड नहीं है यहाँ पे टू हंड्रेड आना चाहिए कितना आना चाहिए टू हंड्रेड आना चाहिए टू हंड्रेड बेस पेयर होते हैं ना कि फोर हंड्रेड बेस पेयर तो आंसर क्या हो गया आपका बी ए सी डी हो जाएगा ये करेक्ट है बाकी सारे क्या है इनकरेक्ट है राइट आगे देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रिडेशन प्रन से आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं यानी एक गलत स्टेटमेंट बताओ प्रन को लेके पहला है इट इज नेसेसिटी बाय द नेचर टू द इकोलॉजिकल बैलेंस इकोलॉजिकल बैलेंस यस। पप्पी भाई क्या हो गया तुमको तुम मेरे फेवरेट करेक्टर हो मतलब तुम नहीं जो भी वो करेक्टर हैं, आपने तो बस नाम रखा है चलिए यस जल्दी बताओ बिल्कुल सही देखो हमको यहाँ पे अलग से ही पता चल रहा है कि हमको पता है negative, ना? एक को फायदा होता है एक को नहीं होता हिरन की जिंदगी चली गई शेर को मजा आ गया है ना तो यहाँ पे बोथ द इंटरेक्शन आरगेटिवली गर्थ स्टेटमेंट है <coughs> ये प्रिडिएशन से कनेक्टेड नहीं है तो आंसर क्या हो गया आपका सी हो गया

एक आपके पास क्या होता है एक्टिनोमॉर्फिक होता है एक्टिनोम right? राइटोम और आपका एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है का मतलब एक्टिनो यानी एनी प्लेन आप किसी भी प्लेन से काट लो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही जाएगा बट बटोमोर्फिक में कि एक इक्वल प्लेन से काटोगे तभी वो आपका दो इक्वल हाफ में होगा अदरवाइज नहीं होगा राइट जैसे वी आर ह्यूमन अगर हम कैसे अगर तुम फ्लार के हिसाब से देखो तो हम है हम सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन से ही इक्वल हाफ में आएंगे अगर ऐसे काटोगे तो इक्वल हाफ नहीं आएगा है ना तो जो हम रेडियली बोलते हैं रेडियली है तो वो एक्टिनो होता है कि भैया किसी भी प्लेन से निकाल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वली ही दो आएंगे पे इक्वल आपका एक फिक्स प्लेन आएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो बीसी वाले हैं यानी गुलमोहर और केशिया है ये जायगो है मस्टर्ड धतुरा और आपका चिली ये कैसे है एक्टिनोमॉर्फिक है किसी भी प्लेन से काट लो इक्वली आएंगे आगे देखो <coughs> इन में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है एलनस के अंदर अब ये चीज मुझे सबका क्लियर चाहिए क्योंकि मैंने ये जो है कल ही पेड़ बैच में कराया है बताओ राइजोबियम रोडोस्पिलम एंड बेज बैस, बेजरोनिक बैस, बैसर, अब ये ये बता देती हूं, ये जो आपका एक नॉन जिसको नहीं पता है मैं आपको बता देती हूं, ये आपका एक नॉन लैग्युमिनोस प्लांट है मतलब ये लैग्युमिनोसी वाला प्लांट नहीं है अब यहाँ पे इसने कहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए तो ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपकी कोई फंजाई तो आएगी नहीं बैक्टीरिया आएगा कौन सा मैंने बताया था वो आपको बताना है नो बेटा राइजोबियम इज फॉर लेग्यूमोस रूट्स मैंने आपको समझाया हुआ है राइजोबियम जो है वो जो दलहनी होती है ना जहाँ से दाल आप निकालते हो उन

कौन सी फंजाई होती है तो वो हमारी ग्लोमस होती है वो कौन सी होती है ग्लोमस जींस की माइकोराइजा में होती है ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं आगे आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पोलिनेशन आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है जो कनेक्टेड है आ, नहीं, मेरी क्लास में सो नहीं चलता, है, चलता ही नहीं है, है क्योंकि हम आए तो इसीलिए ना क्योंकि हमको आता नहीं है हमको प्रैक्टिस करना है पढ़ना है अगर हमको आता होता है तो हम आराम से चिल करके पर, पेपर ना क्रैक कर लिए होते तो ये बोलना याद रखेंगे सॉरी नहीं है ना सॉरी जब कोई ऐसी गलती हो जहाँ पे सॉरी होनी चाहिए या तो याद करो भाई बस पॉलिनेशन बाय वॉटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग द आबयोटिक पॉलिनेशन फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फ्लाइज बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड मोथ एंड बटरफ्लाईज आर द मोट डोमिनेट पोलिनेटिंग एजेंट अमंग द इनसेक्स बताइए जल्दी से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा येस yes, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्कुल बढ़िया बहुत बढ़िया प्रयांशी एंड आपका आंसर क्या हो जाएगा डी मोथ एंड बटरफ्लाई डोमिनेट नहीं है आपके पास मोथ एंड बटरफ्लाई ना होके क्या होगी बीज होती है जो आपकी मधुमक्खी होती है वो ज्यादा डोमिनेट होती है ना कि मोथ एंड बटरफ्लाई आगे देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जल इलेक्ट्रोफोरस टेक्निक बहुत आसान है सबसे ईजी है कर देना फटाफट से

आगे है ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ द डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन द जेलविन एक्सपोज टू यूवी लाइट यस बताइए जल्दी से रितेश इज देयर ऑल्सो ओके रितेश इज ऑल्सो देयर इंग्लिश बढ़ा गई हमारी चलो अंशिका बहुत बढ़िया ये ये बहुत बढ़िया नीट एक्सपेरेंट रितेश बहुत बढ़िया नहीं बेटा देखो आपका सी हो जाएगा यहाँ पे हम कहीं पे भी जेल को कलर नहीं देते हम कहीं पे भी जेल को कलर नहीं देते हम स्टेन करते हैं डीएनए को हम स्टेन करते हैं हमारी लॉडिंग को कि जो भी हमने लॉड करा है राइट तो बट हम कभी भी जेल को स्टेन नहीं करते जेल को स्टेनिंग के लिए कोई भी चीज हम यूज नहीं कर रहे होते तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा जो कि गलत है बाकी सारे सही है आपके पास दो स्टेटमेंट नीचे ईवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स जो आपको निकालनी है कौन सी कौन सी स्टेटमेंट से जल्दी से बताइए स्टेटमेंट वन कह रही कि मैंडल स्टडीड सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड इन पी प्लांट्स एंड प्रपोज एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने दिया सेवन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेके ठीक है उसके बाद का सेवन कैरेक्टर एग्जामिन जो उन्होंने किए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के अंदर वो सीड शेप था कलर था फ्लार का कलर था पोड का शेप था कलर था का शेप एंड कलर फ्लार पोजिशन एंड स्टेम की हाइट ये सारी थी अब आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट का क्या मामला पड़ेगा दोनों सही है दोनों गलत है एक सही है दूसरी गलत है दूसरी सही है एक गलत है बताइए जल्दी से चलिए क्या एटीट्यूड टीचर हाँ ये मुझे समझ नहीं आया भाई ये मुझे समझ नहीं आया जो भी आपने बोला है राइट right. देखो मेरा काम है आपको कम से कम दो घंटे के अंदर सो क्वेश्चन कराना तो इसके अंदर एटीट्यूड नहीं मैं थोड़ा जल्दी में हूं ये yes. मैं स्पीड करा रही हूं आपकी बिल्कुल सही दोनों स्टेटमेंट सही हैं कोई भी डाउट नहीं है बिल्कुल सही साथ लिए थे उन्होंने भैया कैरेक्टर्स जिसके फोर्टीन ऑल्टरनेट आपके फॉर्म बन रहे थे राइट right. और आपके यही जो साथ थे जो यहाँ पे मैंशन किए गए हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको पता किस तरीके से नजर आएंगे कि आपको वो देगा दीग बताओ इसमें से कौन से मेडल ने चूज करे हैं या इसमें से कौन सा मेडल ने चूज नहीं करा है ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं आगे ट्रांसपोर्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच ऑफ द फ़ॉलोइंग ट्रांसपोन आप कहां यूज करते हैं पॉली पीसीआर में जीन साइलेंसिंग में ऑटो तो रेडियोग्राफी में और आप यूज कर सकते हैं जीन सिक्वेंसिंग में आपको मैं बता देती हूँ तो ट्रांसपोर्स क्या होता है इनको हम कहते हैं मोबाइल जेनेटिक मटीरियल इसको हम क्या बोलते हैं मोबाइल जेनेटिक मटीरियल जो हम कहते हैं वो हम ट्रांसपोर्स को कहते हैं देखो तो हमारे पास कई बार कुछ ऐसे जीन्स होते हैं कुछ ऐसा डीएनए का फ्रेगमेंट होता है जो वन सेल टू अनदर सेल जम्प कर जाता है ठीक है ऐसा कूदता फिरता है वो मोबाइल होता है वो टिकता नहीं वो छोटे बच्चे का जैसा होता है वो हम कहाँ यूज करते हैं कहाँ यूज करते हैं जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ यस जीन साइलेंसिंग बहुत बढ़िया कहा यूज करते हैं जीन साइलेंसिंग में करते हैं जीन साइलेंसिंग का हमारा कहां पे मतलब है ही अगर तुमको ध्यान है तो हम जीन साइलेंसिंग कहां करते हैं हम बात करते हैं आपके इंटरफेरोन की जहां पे रिकॉम्बिनेंट इंटरफेरोन की हम बात करते हैं जब हम कौन आता है वो प्लांट के अंदर घुस जाता है उसको साइलेंस करना होता है हमको राइट हम वहां पे क्या करते हैं इंटरफेरॉन भी वहां परफॉर्म करते हैं वो इंटरफेरेंस आप जिसको बोलते हो आर इंटरफेरेंस आर इंटरफेरॉन, वो जो दो टर्म्स तुम यूज करते हो उसी को तो हमने जीन साइलेंसिंग कहा है और वहीं पर हम ट्रांसपोर्ट को यूज कर लेते हैं राइट right. आगे देखिए वाइल एक्सप्लेनिंग एक इंटरस्पेसिफिक inter इंटरेक्शन एक पॉपुलेशन के अंदर पॉजिटिव साइन दिया गया जिसको बेनिफिट बेनिफिट हुआ है नेगेटिव दिया गया जिसको बेनिफिट नहीं हुआ जिसको डेटरीमेंटल था मतलब कमी थी जिसको नुकसान हुआ तो हमारे पास एक इंटरेक्शन है जहां पे पॉजिटिव साइन दिया गया है एक स्पीशीज को नेगेटिव साइन दिया गया है एक स्पीशीज को तो आपको बताना है ये कैसी इंटरेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव कैसे वाले इंटरेक्शन ये तुमको बताना है और uh, कॉम्पिटिशन जल्दी बताओ जल्दी बताओ बिल्कुल सही बिल्कुल सही Thank okay. you. जल्दी बताओ फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे दो स्पीशीज आती है दो इंटरेक्शन आते हैं जो कि कुछ इस तरीके से आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाले वैसे तो टोटल तो छह तो तरीके की फॉर एक्साम्पल म्यूचुअलिज्म की बात कर लेते हैं म्यूचुअलिज्म इज द वन जहाँ पे दोनों को फायदा होता है पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म एंड एंड प्रीडेशन प्रीडेशन पे एक को फायदा एक को आपका क्या हो जाता है नुकसान हो जाता है तीन ही हो गई उसके बाद हमारे पास आती है कॉम्पिटिशन जहां पे दोनों को नुकसान होता है कमेंसलिज्म एक को फायदा एक को कोई फर्क नहीं पड़ता होता है प्लस जीरो आ जाता है अमेंसलिज्म एक को माइनस नुकसान होता है एक

सिक्कल से नहीं नहीं नो 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 इसमें से कौन सा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोजोमल लिंक्ट

जल्दी बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से तो वी ऑल नो कि हम अगर वीदरिंग की बात करेंगे जब हमारी मिट्टी बनती है मिट्टी से चट्टान से जब मिट्टी बनेगी तभी हमारा फोर्सफोरस उस चट्टान से मिट्टी में आता है फिर प्लांट उसको ले पाएगा तो आपकी इनिशियशन पे होती है विदरिंग से होती है जब उसको टूटेगा ना वो सॉयल फॉर्मेशन होगा वहीं से फोर्सफोरस साइकिल का जो स्टार्टिंग है वो हो जाता है विदरिंग आपकी वहां से आंसर हो जाएगा आगे देखिए इन द फॉलोइंग पैल बेस प्लीज डू रिमेंबर मैंने आपको याद करा रखा है बी एम एच वन का इको आर वन का दो मैंने आपको रटवाए हैं अच्छे से वो आपको करने हैं क्योंकि दोनों से दोनों के अलावा कोई तीसरे का पैलेंट्रोमिक सीक्वेंस नहीं पूछा जाएगा इनमें से कौन सा पैलेंट्रोमिक बेस्ड डीएनए का इजीली कट किया जा सकता है बाय अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तरफ है जी ए टी ए सी टी जी वी ऑल नो यहाँ पे कौन सा है आप मुझे साथ में आंसर भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कौन सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम उसको काट सकते हैं <coughs> अगर तुम देखो तो मैंने आपको क्या कहा कि आपके पेपर में सिर्फ दो ही हैं जो आपको करने हैं आपके पेपर में सिर्फ दो ही हैं जो करने हैं इसके अलावा आपको नहीं करने हैं दूसरे राइट right? एक तो आपके पास आता है गाटस गाटस जीको जो कि इको आर वन का है. एक आपके पास आता है गग्गाटस जो कि बी एम एच वन के लिए है जो कि किसके लिए है बी एम एच वन के लिए है राइट right? किसके लिए है भाई बी एम एच वन के लिए है ठीक है ठीक है तो हमारे पास ये आ जाता है ये जो है आपका इको आर वन के लिए है और वहीं पे अगर हमारे पास गग्गा टस आता

the methodology adopted by him is called sequence annotation gene mapping expressed sequence tag bioinformatic अब देखो मैंने आपको ये पढ़ाया था जब हमने क्या करा था जब हमने डीएनए वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे लास्ट में एक टेक्निक आती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए मेथोडोलॉजीज की दो मेथोडोलॉजीज वहाँ पे यूज की गई थी एक सीक्वेंस एनोटेशन किया गया था एक आपका ईएसटी e -E किया गया था एक्सप्रेसड सीक्वेंस टैग तो वहां पे हमने क्या कहा था कि अगर कोई भी पर्सन पूरे डीएनए को यानी कि उसकी हर न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ता है हर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के बारे में जानता है वेदर वो डीएनए एक्टिव है या नहीं है जंक डीएनए है या एक्टिव डीएनए है डजंट मैटर वो आपका क्या जाएगा सीक्वेंस एनोटेशन आ जाएगा अगर वहां पे वो ये पढ़ रहा है कि कौन सा डीएनए एमआरएनए बना रहा है वो एमआरएनए का जो एक्सप्रेशन देने वाले थे वो आपका किस में आ जाएगा ईएसटी में आ जाएगा तो डू रिमेंबर मैंने कहा कि आपके पास डीएनए है कितना डीएनए है आपके पास फोर आपके पास कितना है भैया आपके पास जो डीएनए है हम सबको पता है कि भाई की पावर नाइन बेस पेयर है अगर आप इनका टोटल इन सब को क्या पढ़ रहे हो इन सब का आप सीक्वेंस जान रहे हो अगर आप इन सब का सीक्वेंस जा रहे हो तो आपको सीक्वेंस एनोटेशन है बट इसमें से आपको पता होना चाहिए सिर्फ इसका वन ही होगा क्योंकि आपका डबल डिप्लॉयड नहीं है इसलिए वन लिख रही हूँ वन ही होगा जो आर की फॉर्म में निकलेगा तो इस वन को जब मैं पढ़ूंगी तो इसको मैं ई कहूंगी यानी

फिर कह रहा है कि क्लोजली क्लोजली लोकेटेड लोकेटेड जीन्स असोर्ट इंडिपेंडेंटली जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो जाते हैं अब आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा ठीक है जल्दी बताओ यस yes, बहुत बढ़िया मिस प्रिया याद ही तो रखना है हमें याद ही तो रखना है ये तो हमारा गोल है याद रखना यस yes. अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा कि हमको असरेशन तो ठीक है रीजनिंग हमारी गलत हो जाएगी तो आंसर आपका क्या बनता है थर्ड बनता है कि तो ठीक है रीजनिंग गलत है ऐसा क्यों देखो मैंडल को कहीं पे भी किसके बारे में नहीं मालूम था मैंडल को नहीं मालूम था आपकी लिंकिंग के लिए लिंकिंग का जो कंसेप्ट है वो सटन एंड बावरी मॉर्गन ने दिया था सटन एंड बावरी की जो क्रोमोजोमल थ्यूरी आई उसकी वेरिफिकेशन के लिए मॉर्गन आते हैं उन मॉर्गन ने लिंकिंग का थ्यूरी दिया था लिंकेज का जो कंसेप्ट था वो मॉर्गन थे देने वाले मैंडल को उसके बारे में आइडिया नहीं था क्योंकि प्लांट के बारे में तो

है ना CNG से डीजल में चेंज कर दिया, CNG. हो, कौन से गलत हो तुम गाड़ी चेंज कर रहे पहले वो डीजल पर चल रही थी अब तुमने उसको सीएनजी पे करा दिया है अब तुमको बताना है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट गलत है सीएनजी बर्न मोर द सेम डीजल इंजन बी यूज इन सी एनजी बस इज मेकिंग दस्ट ऑफ कंजर्वेशन लो कन्वर्जन इट इज चीप देन डीजल कैन नॉट बी अडल्टर्ड लाइक डीजल यस सी एन जी के देखो अपने यस yes, बिल्कुल सही सी एन जी के बिल्कुल अपने uh, फायदे हैं जैसे सी एन जी है, है, है बहुत सस्ती आती है है ना बहुत एफिशियंटली वर्क भी करती है अडल्ट्रेसन uh, तो कोई कर ही नहीं सकता गैस में कोई क्या ही अडल्ट्रेशन करेगा है ना अगर अडल्ट्रेशन करे तो काम नहीं करेगी गाड़ी खराब सामने वाले के केस ठोक देगा है ना तो हमारा आंसर क्या आएगा बी हम सेम इंजन नहीं यूज कर सकते आपको पता होना चाहिए अगर हम डीजल के इंजन के ऊपर सी एन जी यूज करेंगे डीजल का इंजन बैठ जाएगा वो कॉस्ट कम तो नहीं करेगा दूसरा

फटाफट से फटाफट से बताइए अभी फटाफट से फास्ट

टेन की पावर नाइन सिक्स पॉइंट टेन की पावर नाइन थ्री पॉइंट होगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही सही थ्री टेन की पावर नाइन हो जाएगा आप 6. 6 की बात तो यहाँ पे टू पॉइंट टू मीटर होगा और मैंने आपको ये समझाया हुआ है कैसे होगा जिस बच्चे को डी एन ए का चैप्टर नहीं आता है प्लीज गो एंड वॉच मंजिल सीरीज मंजिल टू पॉइंट ओ जो भी रिसेंट में कराई गई है जहां पे पहले वाली मत देखना बहुत लीन थी अब मैं मोटी होगी मोटे वाली देखना ठीक है ये वाली मंजिल सीरीज देखना टू पॉइंट जो मोस्टली पर्पल थमनेल में आपको मिलेगी पर्पल एंड ब्लू थमनेल आपको मिलेगी उसके अंदर आपको इम्प्रूव चीजें नजर आएंगी बहुत सारी चीजें मैंने ऑन की है जो कि पुरानी मंजिल सीरीज में आपको नहीं मिलेंगी ठीक है <coughs> दो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट वन एंड टू स्टेटमेंट वन ऑटो तो इम्यून डिजीज इज अ कंडीशन व्हेन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल एज अ फॉरेन बॉडी Rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self cell. Does not attack self cell. आप जल्दी से बताओ यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जल्दी से बताओ यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है स्टेटमेंट दोनों सही हैं गलत हैं कौन से सही है कौन से गलत है फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए बिल्कुल सही आयुष बिल्कुल सही देखो आयुष ने दो सेकंड लगाई हमको पता है ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज होती है जहां पे हमारी बॉडी को खुद को नहीं पता होता कि ये किसकी बॉडी के सेल्स है हमारी की कि दूसरी की तो हमारी कोई माने लग जाता है बिल्कुल सही है रिमोटॉइड अर्थराइटस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल एल्जाइम

इसमें से आपको बताना कौन से स्टेटमेंट ट्रू है फोर्स स्पर्मेटो अच्छा ऐसे वाली स्टेटमेंट ना तुमको बहुत मिलेगी पेपर में ऐसे वाली स्टेटमेंट ना तुमको बहुत मिलेंगी पेपर में जहां पर तुमको ये स्टेटमेंट निकालनी पड़ेंगे तो टेक यूर टाइम ठीक है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो सही है बट वो आपकी ऊ जेनेसिस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है आपको वो स्टेटमेंट बतानी है इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड्स की हैप्लोइड गैमिट्स बनते हैं इससे ठीक है अच्छा इसमें आपको ये बताना है ध्यान से जो डिफरेंशिएट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में होती है बट ऊ जेनेसिस में नहीं होती

Yes. जल्दी ये मियोसिस वन आएगा यहां पे मियो वन भी नहीं आएगा ठीक है देखो बिल्कुल सही डी हो जाएगा यहाँ पे मैं भी सिर्फ के लिए हाँ दोनों के लिए है दोनों के लिए बेटा अंजलि दोनों के लिए भी आप सीयूटी के लिए भी कर सकते हैं वहां पे भी कर सकते हैं अब देखो यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ पे इसने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ गैमिट अकर लॉजिकली ये चीज बिल्कुल सही है इसमें कोई डाउट की बात नहीं है है ना वैसे तो लॉजिकली आप अगर देखो तो यहाँ पे स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम या परेशानी की बात नहीं है है ना बट यहाँ पे हमको ये बताया कि हमारे पास जो कंप्लीशन होता है बिल्कुल डिफरेंस हो जाएगा आपका ऊजेनेसिस में तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया उस, होती है बट आपके ऊजेनेसिस में यहाँ पे अरेस्ट होता है फिर उसने कहा कि कंट्रोल्ड बाय दिस बिल्कुल सही है इसमें कोई गड़बड़ की या परेशानी की बात आपकी नहीं है फिर इसने कहा कि भैया आपके पास इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी बिल्कुल सही ये आपका इसके लिए तो सही है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बट आपका के लिए सही नहीं है तो यानी आपका ये भी सही नहीं है ठीक है ये गलत हो गया ये गलत हो गया यानी सी ई आपका सही आंसर हो जाएगा अब देखो कुछ बच्चों को लगेगा मैम बी 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 कुछ बच्चे बी कर रहे हैं इसको क्यों भैया म्यूसिस कंप्लीट होगा तभी तो होगा ना ये तो सिंपल सी बात है माइटोसिस हुआ म्योसिस वन हुआ म्योसिस टू हुआ तभी तो आपका बना ना गैमीट कब बनेगा गैमीट कब बनेगा कब बनेगा जब आपका मियोसिस हो चुका होगा बट 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 हेयर ठीक है बिल्कुल सही कैच है आपका इसने कहा डिफ्रेंसियन ऑफ गेमिट अकर आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ मियसिसन हमारे ऊजेसिस में नहीं होती डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कि हमारे पास एक स्पर्मेटेड था जो कि स्पर्मेटोजोआ की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये ऐसे वाली चीज हमारे में होती है होती है नहीं होती है, हमारा जो हैड नेक टेल आता है वो नहीं होता एग के अंदर वहां पे डिफ्रेंसिएशन नहीं होता डायरेक्ट ऊटेड यानी कि एग ही बनता है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसका है सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली स्पर्मेटोजेनेसिस का है ऊ में ये नहीं होता है यानी कि बी सी ई हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई बी सी e आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये फोर्थ क्योंकि ये चीज जो है चीज और ये चीज सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस में होती है ऊ में नहीं होती है और यही हमको आंसर करना था जो सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस में हो उसेज में ना हो आगे देखिए आपके पास दो स्टेटमेंट है कि रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियोस रिकग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नॉन एज पैलेन्ड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस स्टेटमेंट टू कह रही कि रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कट द अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलेन्ड्रोमिक साइट यस yes. जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा यस yes. चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है ध्यान से करना आंसर बहुत ध्यान से करना बिल्कुल सही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों ही स्टेटमेंट हमारी कैसी है सही है किसी में कोई भी गड़बड़ या घोटाला नहीं है आपकी दोनों स्टेटमेंट्स बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट राइट बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट हमारी तो आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ ए आंसर क्या हो गया हमारा यहां पे? हो गया गया हमारा पे ए दिस विल बी द बैरियर वॉल्ट बैरियर नॉन मेडिकेटेड आईयूडी एंड कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या हो जाएगी आपकी लिप्स लूप लिप्स लूप किसकी आ जाएगी बिल्कुल सही जी एन ए बिल्कुल सही बिल्कुल सही <coughs> बढ़िया बढ़िया बिल्कुल सही आयुष आयुष को बिल्कुल अच्छे से करा है बिल्कुल सही आयुष जयसवाल बिल्कुल बढ़िया बेटा नॉन मेडिकेटेड आयुडी होती है हमारी कॉपर रिलीजिंग में कौन सी आती है कॉपर सेवन कॉपर टी एंड मल्टीलोड ये तीनों आपकी कॉपर वाली है वॉल्ट बैरियर सर्वाइकल बैरियर एंड डायफ्रम्स ये आपके किस में आ जाते हैं बैरियर्स में फीमेल कॉन्टर्म से ये ठीक है चलिए आगे चले आगे हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ईकोलाइ e. स्ट्रोन है जहां स्ट्रेन है जहां पे आई जीन म्यूटेट हो गया है एंड जो प्रोडक्ट है वो इंड्यूसर से बाइंड नहीं कर सकता है जो ग्रोथ मीडियम है वहां पे हम लैक्टोज प्रोवाइड करें तो वहां पे क्या होगा वहां पे क्या होगा कि जेड जीन जो है वो ट्रांसक्राइब हो जाएगा जेड वाई ए जीन तीनों ही ट्रांसक्राइब यानी ट्रांसलेशन हो जाएगा उसका या फिर जेड वाई ए जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड आर एन ए पॉलीमरेज द पॉर प्रमोटर रीजन इसने सीधी सी बात कही इसको पता है कि हमारा जो ईकोलाई e. है वो एक पॉलिसिस्टरोनिक है ठीक है और वहाँ पे ZYA है तो इसने कहा और यहाँ पे आई है यहाँ पे आई है तो इसने कहा कि आई जीन में गड़बड़ हो गई है आई जीन जो कि एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल बना रही थी जो कि आपकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को काम रिस्ट्रिक्शन कह रही हूं आरएनए पॉलीमरेज को काम नहीं करने दे रहा था अब वहाँ पे वो म्यूटेशन हो गई है और वहाँ पे लैक्टोज आपने दिया है लैक्टोज आपने दिया है तो वहां पे क्या चीज होगी वहां पे क्या चीज़ होगी क्या, हो क्या वहां पे आपका लैक्टोज देने के बाद ट्रांसलेशन होएगा कि नहीं होएगा क्या मामला रहेगा बिल्कुल सही सी नहीं ट्रांसलेट क्योंकि अगर वो म्यूटेट हो गई है

इंपॉर्टेंट पार्ट है चाह आपके पेपर में जो बहुत ज्यादा आएंगे एक तो आपके पास केमिकल्स है जैसे कि आपका सुट्रिक एसिड है किससे बनता है एसपरगिलस नाइगर से बनता है राइट ब्यूट्रिक एसिड है क्लोस्टीडियम ब्यूटिलिकम से बनता है एसिटिक है le lektic, electric, है 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 से से बनता बनता आपका ये आपके चार के चार केमिकल्स आपको पता होना चाहिए उसके बाद आपके तीन एंजाइम्स आते हैं लाइपेज आता है प्रोटीज पैक्टिनेस लाइपेज डिटर्जेंट में पैक्टीज और प्रोटीज बॉटल क्लियरिंग के अंदर एंड स्ट्रेप्टोकाइनिज क्लोट बस्टर के रूप में ये आपको पता होना चाहिए एंड साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टेटिन ये भी आपको पता होना चाहिए

फिर स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। जल्दी बताओ जल्दी बताओ यहां पे आंसर क्या होगा यहां पे आंसर क्या होगा यहां पे आंसर क्या होगा ये मैं आपको समझा चुकी हूं बता चुकी हूं माइविश माइविश निशा ओके okay. बिल्कुल सही चलिए अच्छा फंगस के बहुत सारे फायदे होते हैं ना कि फंगस एक तो फोस्फोरस फिक्स करके देगी दूसरा नहीं आएगा सैलिनिटी से ड्रोट से इससे भी रेजिस्टेंस देगी ओवरऑल ग्रोथ करती है प्लांट की डू रिमेंबर बिल्कुल सही देखो हमको पता है ये तो ठीक है स्पर्मिएशन बिल्कुल ठीक है जो जो प्रोसेस। तुम बोलते हो ना डिफ्रेंसिएशन डिफरेंसिएशन का ही दूसरा नाम आपका स्पर्मियोजेनसिस है ये आपका क्या है डिफरेंसिएशन जो हम लिखते हैं जहां पे हमारे पास एक स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है एक मोलू बच्चे का गर्दन सर और पूछ निकल जाती है वो स्पर्मियोजेनसिस होता है राइट right, तो आपको ये याद रखना है कि स्टेटमेंट वन तो ठीक है बट दूसरे वाली क्या है आपकी गलत है ठीक है दूसरे वाली गलत है पहले वाली ठीक है दूसरे वाली गलत है ठीक है ये आपको याद रखना है आगे देखो आगे क्या है अगर एक आठ ड्रोसोफिला है आपके लेबोरेटरी में इस एक ड्रोसोफिला आपकी लेबोरेटरी में मर जाती है ठीक है अस्सी में से आठ मर गई आपके पास अस्सी ड्रोसोफिला थी उसमें से आठ गई एक वीक के अंदर आपको डेथ रेट बताना है कि डेथ रेट क्या होगा पर ड्रोसोफिला पर वीक ठीक .00, है है बहुत आसान कितनी मरी कितनी गई आठ मरी कितने पे गई अस्सी पे गई तो आंसर क्या हो गया वन बाय टेन हो गया वन बाय टेन यानी कि जीरो पॉइंट वन हो गया तो आंसर क्या आ गया जीरो पॉइंट वन ए हो गया आंसर कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी की बात नहीं है बर्थ रेट निकालना तो भी निकलेगा डेथ रेट निकालना तो भी ऐसे निकलेगा बर्थ रेट पहले कितने थे इनिशियल लिखो नीचे तो जो आपकी पहले थी पॉपुलेशन पॉपुलेशन की जो भी नंबर थी ठीक है उसके बाद कितने गए या कितने आए वो तुम तो ऊपर लिख दो सेम है कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं है राइट आगे देखो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है मोर नेचुरल सिलेक्शन वेर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक करेक्टर वैल्यू अदर देन द मेन करेक्टर वैल्यू लीड्स टू स्टेबलाइजिंग चेंज डायरेक्शनल चेंज डिसरप्टिव चेंज एंड रैंडम चेंज एंड रैंडम चेंज इसने ध्यान से करना ध्यान से करना इस प्रश्न को इसने कहा है कि आपके पास स्पेसिफिक करेक्टर वैल्यू है ठीक है स्पेसिफिक करेक्टर वैल्यू जब आपके पास होती है जब भी कोई स्पेसिफिटी की आप तुम बात कर लोगे कि भाई हाँ पर्टिकुलर इस टर्म पे हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा हमेशा चेंज कैसा होता है डायरेक्शनल चेंज होता है कैसा होता है डायरेक्शनल चेंज होता है जब आपके पास स्पेसिफिसिटी नहीं है तो डिसरप्टिव हो जाएगा ठीक है और जब आपको आइडिया ही ना हो तो रैंडम हो जाएगा स्टेबलाइजिंग जब आपको पता है कि इसके क्या कुछ चीजें होनी है स्टेबिलाईजेशन आपकी रहेगी रहेगी ठीक है आगे देखो ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ वाइटमिन एंड मिनरल्स ऑफ हायर प्रोटीन एंड हेल्थ फैट इज कॉल्ड बायोमैग्नफिक बायो रेमडेशन बायो फोर्टिफिकेशन बायो, एकुमलेशन, बायो एकुमलेशन। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अगर क्या कहोगे कहो जल्दी करो फटाफट से आंसर टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल बायो फिकेशन नॉट रेमडेशन देखो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि जब कोई केमिकल आपके बेसिक ट्रॉफिक लेवल से प्रोड्यूसर से लेवल से या फर्स्ट कंज्यूमर वाले लेवल से

राइट right, आगे देखो एट एट स्टेज ऑफ लाइफ लाइफ प्रोसेस प्रोसेस इज इनिशिएटेड की किस स्टेज में आपकी स्टार्ट होती है प्यूबर्टी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बर्थ एंड अडल्ट अडल्ट कहाँ पे आपकी जो ऊ जेनेसिस है वो स्टार्ट होती है सो वी ऑल नो जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि भैया प्यूबर्टी आएगी प्यूबर्टी के टाइम पे हम क्या करेंगे uh, हमारा एमसी वो

जूस फॉर कॉनेडिया जैम्यूल्स एंड बर्ड जूस फॉर कॉनेडिया से बताओ जल्दी से बताओ पेड़ वाले बच्चों को मैंने कल कल लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिलीटेड वाले पार्ट की जो मैंने आपको कराया था सीटी के लिए वहां पे मैंने आपको कराया ये बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से वी ऑल नो आंसर क्या होगा क्या होगा कॉनिडिया क्या हो जाएगा कॉनिडिया बी विल बी द करेक्ट आंसर आगे आपके पास है एक जीन थेरेपी के अंदर आपने एडीए की जीन थेरेपी आप कर रहे थे एडिनोसिन डी एमिस डेफिशेंसी की तो वहां पे पेशेंट को बार 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 हम लिम्फोसाइट्स दे रहे थे इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट वो लिम्फोसाइट जिसके अंदर हमने वो एंजाइम वाला चीज़ डाला हुआ है ठीक है अब ऐसा क्यों ऐसा क्यों हम बार बार क्यों दे रहे हैं उस चीज़ को पहला कह रहे हैं कि भैया रेट्रोवायरल एक्वेक्टर जो है वो लिम्फोसाइट में हम डालना चाहते हैं इसीलिए फिर कह रहे हैं कि जो हमने जीन आइसोलेट किया है बोन मैरो से मैरो सेल से वो एडीए आपका बॉडी ग्रो कर जाते हैं अंदर ग्रो नहीं कर पाते इसलिए बार बार देना पड़ता है या फिर जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाटल सेल्स अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या रीजन हो जाएगा की जहां पर हम बात करेंगे भैया हाँ इस वजह से हमको बार बार इन्फ्यूजन देना पड़ता है अच्छा हम लिम्फोसाइड्स की बात करते हैं लिम्फोसाइड व्हाइट ब्लड सेल्स इनकी पर्टिकुलर एक लाइफ होती है ये ऐसा तो है नहीं कि पूरे जीवन एक बार हमने दे दिया उसके बाद चल गया क्या आप नहीं बेटा हमको बार बार इन्फ्यूजन इसलिए नहीं देना पड़ता कि वो ग्रो नहीं कर पा रही है या फिर वो रेटरेट्रो वायरल है या फिर हमारी वहाँ पे जीन्स में कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि वो एक टाइम पे डाई कर जाएंगे जब वो मर जाएंगी तो उसके बाद हमको दोबारा से चीजें करनी पड़ेंगी वहां पर तो बार बार हमको करनी पड़ेंगी क्योंकि डब्ल्यू हमारी इमोर्टल नहीं है अमर नहीं है

आपको क्या कर देती है एक बड़े से टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है डेटरी टस को डेटरी वोर तोड़ता है और यहाँ पे डेटरी वोर जो तोड़ता है वो फ्रेगमेंटेशन में आता है तो आंसर इज बी नहीं बेटा डी कंपोजिशन नहीं तो पूरी पांच स्टेप की प्रोसेस है आप वहां पे डिकम्पोजिशन नहीं कहोगे डू रिमेंबर वोर, ध्यान तो दो डेटरी वोर ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल यानी आपके पास बड़े ऑर्गेनिक मैटर से छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर हो गए ये इसने कहा है तो कहता है कि बड़े ऑर्गेनिक मैटर से आपके इनऑर्गेनिक बन जाना अगर इनऑर्गेनिक की हम बात करते तो हम इसको डिकम्पोजिशन कह सकते थे बट यहाँ पे इसने स्पेसिफाई किया है कि डेटरी वोर है जो एक बड़े डेट्रीटस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है हमने यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉर्म माने की

पूरी डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन चाहिए बहुत सारी है ना हमको मॉइस्चर चाहिए टेम्परेचर चाहिए अगर वहां पे हमारे पास टेम्परेचर ना हो मॉइस्चर ना हो तो नहीं काम करेगा कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं डिकम्पोजिशन होगा ये चीजें आपके कंप्लीट प्रोसेस के टर्म्स में आप बात करते हो बट इसने एक पर्टिकुलर स्टेप दिया है दैट इज बी एक कलर ब्लाइंड फीमेल है जो शादी करती है एक आदमी से जिसकी जो मम्मी है वो कलर ब्लाइंड थी तो आपको बताना है कि उसकी जो प्रोजेनी है जो प्रोजेनी है उस प्रोजेनी की कलर ब्लाइंडनेस की कितनी आपके चांसेस बनेंगे कितने चांसेस आपके बनेंगे यस yes, ओके okay, बहुत बढ़िया मिस प्रिया बहुत बढ़िया यस yes, जल्दी बताओ जल्दी बताओ नाक बंद हो गई यस yes, फटाफट से बताओ भी फटाफट से देखो हमको पता है एक female, XC, XC. एक ब्लाइंड ब्लाइंड कलर कलर फीमेल एक्स एक्स सी सी मैरी इज इज अ मैन हुज मदर अगर आदमी की माँ कलर ब्लाइंड है लड़का अपने आप कलर ब्लाइंड हो जाएगा तो हेयर इज ऑल्सो एक्स सी अब तुम यहाँ पे देखोगे तो यू ऑल नो कि हमारे पास हंड्रेड परसेंट चाइल्ड आएगा जो कि क्या होगा कलर ब्लाइंड होगा है ना यहाँ से तुम किसी को भी निकाल लो हंड्रेड परसेंट चाइल्ड कैसा आएगा कलर ब्लाइंड आएगा हंड्रेड परसेंट कलर ब्लाइंड आएगा तो रिलेशन निकालना सीखो रिलेशन निकालना सीखो थोड़ा सा मैंने आपको समझाया हुआ है अगर बाप में होती कलर ब्लाइंडनेस तो लड़के में नहीं जाती अगर मम्मी कलर ब्लाइंड है तो लड़के में कौन सा ही एक्स जाए एक ही एक्स जाना है अगर दोनों एक्स म्यूटेटेड है कोई भी जाए कलर ब्लाइंडनेस होगी ही होगी ठीक है तो लड़का कलर ब्लाइंड बनता है हमारा यहाँ पे थोड़ा रिलेशन निकालो तो तुम्हारी रीजनिंग गलत हो गई यहाँ पे ठीक है आगे देखो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है पहला कह रहा है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होता है जब हमारी बॉडी एनकाउंटर करती है पैथोजन को फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक्वायर्ड में आता है एनिमेस्टिक रिस्पॉन्स इज इलिसेड ऑन द सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन ठीक है जी एमेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमरी ऑफ फर्स्ट अच्छा एमनेस्टिक कौन सा है जो हमारा सेकेंडरी रिस्पांस होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ येस बताओ यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा अच्छा आपके पास इम्यूनिटी कितने तरीके की आती है दो तरीके की आती है एक आपके पास आती है इन्नेट वाले इन्नेट जो हमारे पास बाय बर्थ होती है बाय बर्थ हमारे पास बहुत सारी होती है जैसे कि हमारे पास स्किन है हमारे पास म्यूकस है हमारा म्यूकस जो रेस्परेटरी यूरोजोनाइटल रीजन में आता है राइट ये हमारा किसके अंदर आ जाता है ये हमारा फिजिकल बैरियर के अंदर आ जाता है फिर फिजियोलॉजिकल जैसे आंसू है स्टमक में हमारा एच है ये चीज़ें सलाइवा हो गया फिजियोलॉजिकल हो गया सेलुलर हो गया पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स हो गए जहाँ पे हम लिम्फोसाइट को छोड़ के आपके बी टी लिम्फोसाइट्स को छोड़ के बाकी सारे ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं ल्यूकोसाइट माने डब्ल्यू बी सी की बात करते हैं फिर हमारे पास आता है क्या साइटोकाइन साइटोकाइन जहाँ पे इंटरफेरॉन रिलीज होता है बट उसके अलावा एक्वाड आते हैं अब देखो तो तुम इनेट की बात करोगे इनेट इज नॉन स्पेसिफिक बट एक्वायर्ड इज स्पेसिफिक एक्वायर्ड आपकी कैसी होती है स्पेसिफिक होती है नॉन स्पेसिफिक नहीं होती नॉन स्पेसिफिक इन्नेट होती है एक्वायर्ड वाली स्पेसिफिक होती है तभी तो उसको पैथोजन की पहचान होती है पैथोजन की पहचान तभी करता है ना वो तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा आगे देखो आपके पास दस इक्व e आए हैं ये तो आपको वैसे पता होना चाहिए दो मिनट का सवाल है ये तो यहां पे 15n डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है हमने उसको इनक्यूबेट किया एक मीडियम के अंदर 14n न्यूक्लियोटाइड के साथ 60 मिनट के बाद हमको बताना है कि कितनी ई कोलाई सेल्स आपकी वहां पे डीएनए के अंदर फ्री फ्रॉम 15n कितनी होगी जहां पे फ्री फ्रॉम 15n से होंगी जिसके अंदर 15n नहीं होगा वो आपको बताना है बताना जल्दी से दस ई कोलाई आपने ली जो कि 15n डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से है और आपको पता होना चाहिए कि आपने साठ मिनट अगर इनक्यूबेट की है तो वहां पे कितनी बनेंगी इजी पीजी बिल्कुल सही क्योंकि हमको पता है बीस मिनट में जाएगा दस से बनी बीस बीस से बनी कितनी चालीस बीस मिनट यहाँ लगी बीस मिनट यहाँ लगी और अस्सी यहाँ आ जाएंगे अस्सी यहाँ आ गई ये हमारी सेल्स हैं ये हमारी बीस मिनट के साइकिल में दस से बीस बनी फिर बीस मिनट का साइकिल हुआ 40 बन गई फिर अस्सी बन गई हमको ये पता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डी एन ए है वो यहाँ पे गया होगा तो बीस के अंदर इन सब के अंदर एक तो कम से कम आपका कैसा हो रहा होगा फिफ्टीन एन रहा होगा एक तो फिफ्टीन एन रहा होगा तो सीधी सी बात है आगे भी फिफ्टी रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा तो इस एटी में से सिर्फ बीस ही होंगे जहां पे हमारे पास फिफ्टीन एन होगा वो भी डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा सिंगल स्टैंडर्ड होगा फिफ्टीन एन होगा एक आपके पास फोर्टीन एन होगा ये सिर्फ ट्वेंटी में होगा बाकी सिक्सटी जो होंगी वो फ्री होंगी, इन सबसे आपके 60 जो सेल्स होंगी, वहां पे आपके पास क्या होगा सिर्फ और सिर्फ फोर्टीन होगा देर नो फिफ्टीन राइट आगे देखिए आपके पास एक रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है जहां पे आपके पास बोला गया है कि ए और सी के बीच में पाँच परसेंट की फ्रीक्वेंसी है रिकॉम्बिनेशन की बी और सी के बीच में फिफ्टीन परसेंट की है बी और डी के बीच में नौ परसेंट की है ए और बी के बीच में ट्वेंटी परसेंट की है सी और डी के बीच में ट्वेंटी फोर परसेंट की और ए एंड डी की ट्वेंटी नाइन परसेंट है आपको बताना है कौन सा सीक्वेंस इस जीन का लीनियर है वट विल बी द सीक्वेंस ऑफ दीज जीन्स ऑन द लीनियर क्रोमोजोम आपको सीक्वेंस बताना है कि आप कौन सा इसको किस तरीके से लगाएंगे किस तरीके से लगाएंगे बहुत आसान आसान ये बहुत 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 आसान है यस हम प्लॉट कर लेंगे ना सबसे कम किसके बीच में है पहले उसको प्लॉट करो सबसे कम किसके बीच में ए और सी के बीच में सबसे कम है तो ए और सी इसके बीच में कितनी है पांच परसेंट है फिर कहा कि बी और सी के बीच में पंद्रह है आप देखो लॉजिक लगाने की कोशिश करना बी और सी के बीच में पंद्रह है अच्छा बट बी और डी के बीच में नौ है बट बी और डी के बीच में नौ परसेंट है तो ऑब्वियसली बात हम यहाँ पे बी के बारे में बात करेंगे तो सी के कॉन्टेक्स में बात करेंगे पहले किसके बारे में बात करेंगे कॉन्टेक्स में बात करेंगे फिर बाद में ए और बी के बीच में ट्वेंटी परसेंट है ए के बीच में कितनी है ट्वेंटी परसेंट है सबसे आप अगर देखो तो अलग 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 हो जाएगी बिल्कुल दूर दूर तक दूर कतई दूर हो जाएगा बीस परसेंट हो जाएगा यहाँ पे बट तो अगर हम बी और सी के बारे में बात करें तो हमारी कितनी है पंद्रह बी और सी के बीच में कितना है पंद्रह यानी कि बी और सी यहाँ से अगर आपके पास बी होगा यहाँ पे अगर कहीं बी होगा तो यहाँ पे आपके पास कितना होगा पंद्रह होगा और इसने कहा कि बी ए कहा गया ए और बी के बीच में बीस तो पंद्रह पांच यहाँ सी बात बीस तो बन गया ये बीस तो बन गया इनके बीच में है ना तो ये तो हमारा अरेंज हो ही हो गया अगर हमको ए सी डी पता तो बाकी भी पता होना चाहिए फिर तो उसने क्या कहा हमारे पास एक दूसरी चीज भी है दैट इज दैट इज क्या बी बी हो गया डी भी हमारे पास है डी का है डी के बारे में कहा बात कही है डी के यहाँ पे बी और डी के बीच में नो परसेंट है तो बी का और डी का कंसेप्ट है डी का किसी और के साथ तो लिंक दिखाया ही नहीं है तो डी इसके बाद लगा दो डी यहाँ पे लगा दो ये नो परसेंट हो गया होगा तो ए सी बी डी ऐसे डी चलो आगे देखो इसमें से कौन सा डिजायरेबल फीचर नहीं है क्लोनिंग वेक्टर का क्लोनिंग वेक्टर में कौन सा हमारा डिजायरेबल फीचर नहीं है जो हम नहीं लेते हैं बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है जो हमको नहीं चाहिए Presence of ऑफ of gene, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन enzyme साइट प्रेजेंस ऑफ टू और मोर recognition साइट जल्दी बताओ जल्दी बताओ यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है जल्दी से बताइए अच्छा क्लोनिंग साइट के हमारे कौन से कौन से फीचर हमको चाहिए पहली बात ओराई ओराई साइट साइट हो कैसे हो जो हाई नंबर ऑफ कॉपी को सपोर्ट करे जो हाई नंबर कॉपी को सपोर्ट करे बिल्कुल सही है फिर उसके बाद हमारे पास मार्कर जीन होने चाहिए जैसे कि आपके पास एमपिन या फिर टेट्रासाइक्लिन की जो रेजिस्टेंट जीन है वो होने चाहिए ताकि ट्रांसफॉर्मेशन चेक हो पाए फिर उसने कहा कि सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए बिल्कुल फिर उसने कहा कि दो होनी चाहिए रीजन देखो अब देखो अगर आपके पास एक ही रिकॉग्नाइजेशन साइट होगी एक ही एंजाइम को कटिंग के लिए साइट होगी तो आपके फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा बट बहुत सारी साइट्स होंगी तो बहुत टुकड़े हो जाएंगे जो कि कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगी बाद में तो आंसर इज फोर आंसर इज फोर बहुत सारी नहीं होनी चाहिए सिर्फ एक ही होनी चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके सही नहीं है पहला कह रहा है कि भैया एनोलॉग स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट आपको ध्यान है एच डी एन ए सी अगर किसी को ना ध्यान हो तो यहाँ पर रिमेंबर कर लेना

चलो बायो में तुम्हारा कोई काम नहीं है तुम जाओ यहाँ से अपना हिंदी पढ़ो चलो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा डी हो जाएगा हमको पता है फ्लिपर ऑफ एंड डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो इनका फंक्शन सेम निकल के आता है क्या निकल के आता है फंक्शन सेम निकल के आता है पर जो इनका स्ट्रक्चर है वो कैसा निकल के आता है डिफरेंट निकल के आता है राइट और ऐसा हमारे पास जब भी होता है तो हम उसको क्या कहते हैं एनालॉगी कहते हैं ना कि होमोलोगी तो आंसर क्या हो गया डी हो गया क्या हो गया हमारा आंसर डी हो गया राइट तो आगे देखिए आगे क्या है हमारे पास दो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट वन एंड टू स्टेटमेंट वन कह रहे हैं कि जो स्क्रबर्स होते हैं वो आपके थर्मल पावर प्लांट के अंदर पास थ्रू होते इलेक्ट्रिक वायर्स टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल फिर कह रहे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पीएम का ये इतना होना चाहिए जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं स्क्रबर से और कैन बी रिमूव्ड बाय अ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर चलिए बताइए जल्दी से यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी बताओ जल्दी से अच्छा स्क्रबर कौन सा है आपको पता है स्क्रबर कौन सा स्क्रबर है आपको ध्यान है एक आपके पास पाइप थी ऊपर से बारिश हो रही थी बारिश हो रही थी बारिश 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 नीचे से पानी जा रहा था एयर जा रही थी प्योर वाली एयर ऊपर निकल के जा रही थी वो वाला इधर आपके पास बॉक्स बना हुआ था इधर आपकी बारिश हो रही टुस टुश यहाँ से हवा गई यहां से निकल गई ये स्क्रबर था। तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट वन तो इनकरेक्ट है टू करेक्ट है इसने कहा स्क्रबर के अंदर हम एग्जोस्ट करते थर्मल पावर नो बेबी टू बिल्कुल भी नहीं हम यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट की बात ही नहीं करते वाटर को यूज करते हैं हम यहाँ पे ठीक है ये बिल्कुल सही है कि पार्टिकुलेट मैटर अगर आपके टू से कम के हों तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से उसको चार्ज नहीं दे पाते चार्ज नहीं कर पाते तो उसको हम वाटर की हेल्प से स्क्रबर की हेल्प से हटा देते हैं ठीक है आगे देखिए आपके पास स्टेटमेंट है आपको चूज करनी है ह्यूमन इंसुलिन के, लिए के कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है इंसुलिन इन, के लेकर आपके टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एज वेल एज ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन रहा है आपके पास पहला क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कह रहा है कि प्रोहारमोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड ए पेप्टाइड जो बोला है वो जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन के टर्म्स में बोला है ठीक है इकोसिस्टम का वीडियो सॉरी आपका इकोसिस्टम मैंने बेटा अभी पूरी यूनिट आपको कराई है अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं मैंने आपको कंप्लीट कंप्लीट यूनिट करा दिया ये कल बायोडायवर्सिटी क्लियर हो गया आपके दो या ती, तीन तीन लेक्चर्स में इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा आप मंजिल सीरीज देखो चालीस चालीस मिनट की तीन वीडियोस टू एक्स की स्पीड पर देखो एक घंटे में देख लोगे ठीक है इकोसिस्टम का वीडियो कौन सा देखो वो देखो फिर आपको रिवाइज करना तो वन शॉट है अगर आपको ये नहीं करना कल लाइव आपका वन शॉट जाएगा वन शॉट देख लेना आप इसने बोला ना, जेनेटिक जेनेटिक कभी भी प्रोहार्मोन नहीं होता है, हाँ, ये है ए बी अलग, अलग बनाएंगे बाद में जोड़ देंगे इंसुलिन डायबिटीज कैटल से कहां करते हैं जेनेटिक इंजीनियर कहा कैटल से निकालते हो प्रोहारमोन तो होता ही नहीं ना जेनेटिक में अंदर हटाओ इसको पेशेंट की एलर्जी कहां से होगी जेनेटिक इंजीनियर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ बी होगा जो कि सही है थोड़ा ध्यान से थोड़ा ध्यान से आंसर करो सिर्फ और सिर्फ बी होगा जो कि आपको करेक्ट होगा बाकी सारे गलत होंगे आगे करते हुए और हमारा आधा काम हो गया है तो स्पीड जल्दी बढ़ाओ विच ऑफ दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेट ऑफ इनिशियन ऑफ पार्चुराइजेशन इन ह्यूम अगर आपके पास कौन सी चीज यहाँ पे आपको नहीं चाहिए जो पार्चुराइजेशन हो रहा हो बेबी का बर्थ हो रहा हो तो,

डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एडिसेंस डिसऑर्डर डिसफंक्शन ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम एंड पार्किसन डिजीज पार्किसन क्या होता है कि हमारे हाथ कांपते रहते हैं है, हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे ऐसे ऐसे हम अच्छे से स्टेबिलिटी में नहीं रह पाते हैं ठीक है बताओ एडिया डेफिशियंसी जो होती है एडिया डेफिशियंसी किस में क्या होती है जल्दी बताओ बिल्कुल हमारे पास एडिया डेफिशियंसी होगी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारा वीक हो जाता है तो क्या हो जाएगा डिसफंक्शन ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आगे देखिए आगे हमारे पास क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रोंग हिस्टोन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है गलत चूज करनी है फटाफट से अच्छा बच्चे जो जा रहे हैं क्यों जा रहे हो भैया उनको बुलाओ वापस से मैसेज करके कि भाई क्यों जा रहे हो जाना नहीं है जाना नहीं है बिल्कुल भी ये yes. histone are rich in amino acid lysine and arginine histone carry positive charge in side chain arranged to form a unit of eight molecule ph histone is slightly acidic so we all know yes b एसिडिक नहीं होता है बेसिक होता है ये कैसा होता है बेसिक होता है तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी इनकरेक्ट हो जाएगी आंसर इज डी बिल्कुल सही मिस मिस प्रिया प्रिया तेजा आयुष बहुत बढ़िया विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट द ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अच्छा ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कौन यहाँ पे लेटर फेज में प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन हॉर्मोन रिलीज करता है तो हमारे पास एक आंसर निकल किया था दैट इज ओवरी ओवरी निकल किया था ओवरी के अंदर ऐसी क्या चीज है

यहां पे कौन सा एक स्टेप नहीं है मोइट का जहां पे हम बहुत सारे एग्स निकालते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी राइट यानी कि हम बहुत सारे एग्स बनाएंगे बहुत सारे बेबीज बनाएंगे वो वाले टेक्नोलॉजी में यहाँ पे नहीं है वो स्टेप इज फर्टिलाइज बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फर्टिलाइज्ड एग और ट्रांसफर टू द सोरोट मदर एट 8 टू थर्टी टू सेल स्टेज फिर उसके बाद इज -like आपको जल्दी से बताना है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा यस yes. जल्दी बताइए जल्दी बताइए कौन सा हार्मोन यहाँ पे आता है कौन सा हम देते हैं तो अगर इफ यू रिमेंबर हम एल हार्मोन नहीं देते हैं FSH हार्मोन भी देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा कि हम उसके अंदर सिर्फ ये नहीं देते नहीं बेटा नहीं D नहीं LH हार्मोन नहीं FSH LH हार्मोन क्यों दोगे तुम क्यों दोगे सुपर ओवुलेशन के तुम फॉलिकल वाला दोगे ना जो फॉलिकल बनाता है LH तो एग निकाल रहा है पहले एग तो निकलवा लो भैया ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे थर्ड हो जाएगा आगे देखो आपके पास दो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट वन जहाँ पे कोडोन ओन ए यू जी कोड करता है मिथ्यो के लिए और फिनाइल एलो के लिए स्टेटमेंट टू कह रहा है कि ए ए ए एजी दोनों कोड करते हैं अमीनो एसिड लाइजिन के लिए अब आपको बताना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे सही हो जाएगी कौन सी स्टेटमेंट सही है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बोथ आर फॉल्स बताओ जल्दी से यस yes, बहुत बढ़िया मिस प्रिया बहुत बढ़िया जल्दी बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ यस yes. फटाफट से बता दो अब देखो हमको पता है कि ए यू जी हमारे पास एक स्पेसिफिसिटी आती है कि हमारे जो यूनिवर्स जो कॉर्ड हैं ये कैसे होते यूनिवर्सल होते स्पेसिफिक हो, होते हैं एम्बिगुअस नहीं होते अनएिगुअस है, होते हैं वो एक को ही कोड करेंगे ज्यादा को कोड नहीं कर सकते यू ए यू जी जो है सिर्फ और सिर्फ मिथ्योनाइन कोड करेगा वो फिनाइल को कोड नहीं करेगा दूसरी बात ये स्टार्टिंग हो हो सकता है, का हो सकता है फंक्शन इसका है बट ये कभी भी एसिड कोड नहीं करेगा तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट दूसरा सही है ये ये आपका A -A A -A -A, आपका ए ए ए ए ए जी किसके लिए आता है लाइसिन के लिए आता है तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर टू यानी कि जहां पे पहली वाली गलत दूसरी वाली सही है बी आपका सही हो जाएगा ठीक है आगे देखिए फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडर ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए क्यों जरूरी है ऐसा क्योंकि भैया कई बार सिमटम नहीं दिखाई देते जैसे कि आपके पास कैंसर हो गया एड्स हो गया कुछ ऐसे डिजीजम बहुत सारे सालों में नजर आते तो हैं ही लेको थोड़ा बहुत अंदाजा उसके लिए हम कौन सी कौन सी टेक्निक्स मोलिकुलर टेक्निक कौन सी कौन सी इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताना है ठीक है जल्दी बताओ एलिजा हाइब्रिडाइजेशन वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड साउदर्न ब्लॉटिंग यस बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा एलिजा एलिजा इज द वन जो कि हम मोलिकुलर टेक्निक के अंदर यूज करते हैं आंसर इज ए ठीक है चलिए आगे देखिए रिसेप्टर फॉर द स्पर्म स्पर्म बाइंडिंग बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन रिसेप्टर जो होते हैं के लिए वो कहां पे होते ये बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों को लगता है है में सबसे बाहर क्या कोरोना रेडिएटा है सबसे बाहर क्या है कोरोना रेडिएटा है।, है? है तो आपको लग रहा होगा कि भैया स्पम बाइंडिंग जो वहां पे ना कोरोना रेडिएटा पे ही होती होगी है ना किस पे होती होगी कोरोना रेडिएटा पे होती होगी बट एक्चुअल में जो ये रिसेप्टर है वो आपके कहीं और होते हैं स्पम बाइंडिंग के

ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फिफ्टी एंड सेवेंटी फाइव एंड सेवेंटी फाइव याद रखना है बिल्कुल असलर स्ट्रक्चर जोना पैलोसीडा बिल्कुल सही नूरी खा, खातून बिल्कुल ठीक है बेटा प्रज्ञा बहुत बढ़िया बिल्कुल सही चलिए चलिए फटाफट बताइए

ठीक है तो आपके पास गुआनिन साइटोसिन कितना होगा ये आपको बताना है थर्टी परसेंट एडमिन है तो बाकी कितना होगा ये आपको बताना है जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए बाकी का क्या, क्या क्या कितना कितना होगा पार्ट जल्दी से फटाफट से विदाउट गेटिंग लेट जल्दी से बिल्कुल थर्टी परसेंट ये है तो थर्टी परसेंट टाइम इन होगा बचे ट्वेंटी ट्वेंटी ये हो जाएंगे भाई तो आंसर क्या हो गया ए हो गया क्लियर है।, है आगे देखो इसमें से कौन सी आपका एग्जाम्पल है हॉर्मोन रिलीजिंग आयुडी का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फोलिंग्जाम्पल फॉर हॉर्मोन रिलीजिंग आईडी कॉपर सेवन मल्टीलोड थ्री सेवेंटी फाइव कॉपर टी एंड एल एनजी ट्वेंटी एंड एल एन जी ट्वेंटी ये बिल्कुल सही शारगोफ रूल बिल्कुल सही शारगोफ रूल चलिए कौन सी हॉर्मोन रिलीजिंग है तो वी ऑल नो कि मल्टीलोर्ड कॉपर सेवन कौपर टी ऑल दीज आर आयन रिलीजिंग आपके पास जो एग्जांपल बचा दैट इज ओनली एलएनजी एंड प्रोजेस्टरेट जो कि आपकी हॉर्मोन रिलीजिंग है आगे देखो आपके पास एक प्रोसेस है जहाँ पे जीन एम्पलीफाई हो रहा है पीसीआर से जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है जो कि मेंटेन किया गया है नॉट मेंटेन इन द बिगनिंग बाद में आपके कौन से स्टेप अफेक्ट होंगे इससे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल अफेक्ट फर्स्ट कौन सा पहले अफेक्ट आपका होगा यहाँ पे जहां पे आपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया अगर आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया है ठीक है यानी कि आपका शुरू में जो शुरू में डीनेचुरेशन में जो टेम्परेचर था वही चल रहा है अभी तक आपने मेंटेन ही नहीं करा है तो कौन सी प्रोसेस होगी जो कि अफेक्ट होगी विल नॉट विल बी अफेक्टेड फर्स्ट लाइगेशन एंड एक्सटेंशन अर्जुन ओके बेटा ओके अर्जुन ठीक है बताए जल्दी से बताइए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कौन ही? पहले वाली अफेक्ट होगी ऑब्वियस ऑब्बियस बात है पहले वाली ही अफेक्ट होगी कौन सी होगी अगर आपके पास पहले ही गलत वो है हाई टेम्परेचर है जो कि आपको नहीं होना चाहिए इतना हाई है कि डीनेचुरेशन भी डी नेचर हो जाए तो आपका पहला ही स्टेप खराब हो जाएगा राइट right? आपने जीन एम्प्लीफिकेशन में हाई टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं करा शुरू में

न्यूरोनिक आपका बनता है ठीक है क्लेफ्ट क्लेफ्ट उसको बोलते हैं वो आपका बनता है वहां पे बहुत सारा आपका क्या हो रहा है फटीग हो रहा है उसी वजह से वहां पे बहुत सारा डिसऑर्डर हो रहा है वहां पे वो प्रॉब्लम चीजें करेगी भी वो नहीं हो पा रही है अच्छे से तो हमारी मसल्स वीक हो रही है पैरालिस हो रहा है ये कौन सा डिजीज है वी ऑल नो दिस इज वॉट माइस्थेशिया ग्रेविस यस माइस्थेशिया ग्रेविस माइस्थेशिया ग्रेविस एंड दिस इज ऑटोजोमन एंड दिस इज ऑल्सो ऑटोजोम डोमिनेट

बिल्कुल 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 क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे कि हम कभी भी रेजिस्टेंट के लिए नहीं करते हैं अगर हम आपकी फोर्टिफिकेशन कर रहे बायोफोर्टिफिकेशन करते हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस की बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ न्यूट्रिशन की बात करते हैं आगे देखो एक स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है जो कि आइडेंटिफाई किया गया है एंडोन्यूक्लियस को जहाँ पे स्पेसिफिक पोजिशन पे कट लगता है

आगे देखिए इन विच डिजीज डिज डज मॉस्किटो ट्रांसमिट पैथोजन कोसक्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फोसाइट वेसल्स कौन से डिजीज में मॉस्किटो से वो डिजीज आपका ट्रांसफर होता है जहां पे आपकी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर बहुत सारा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है ये कौन सा डिजीज़ है रिंग वॉर्म एस्केरसिस एलिफेंटसिस एंड अमीबोइसिस जिसका दूसरा नाम आपका फाइलरेसिस भी आ जाता है क्या आ जाता है फाइलरसिस भी आता है तो आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे थर्ड सी एलिफेंट हो गया राइट आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज कौन सा एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है नहीं है एल्जाइमर रूमिटोटस एन विजियो अच्छा विटिलजियो कौन सा डिजीज है ये आपको बताना है नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज बताओ विटिलजियो जहां पे हमारी स्किन व्हाइट व्हाइट हो जाती है स्किन वाइट व्हाइट हो जाती है जल्दी बताओ विटिलजियो होता है बिल्कुल होता है बताओ जल्दी से सोरोसिस सोरोसिस क्या होते हैं पता तुम्हें सोरोसिस कौन सी डिजीज है कौन सी डिजीज हमारी सोरोसिस होती है, है भाई ए एल्जाइमर एल्जाइमर हो जाएगा भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्जाइमर हो जाएगा एल्जाइमर ऑटो इम्यून नहीं है बाकी सारे ऑटो इम्यून है ठीक है आंसर इज ए सोरोसिस के अंदर आपका पूरा uh, वो होता है कि भाई पैची पैची हो जाता है बट वो ऑटो इम्यून होता है हमारी खुद की बॉडी करती है वो चीजें अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल अच्छा हाँ मैंने शुरू में दो मिनट पहले एल्जाइमर ऑटोम्यून बताया था ना वो थोड़ा करेक्ट कर लेना वो वल्जाइमर में गलती से समूह से निकल गया होगा मतलब बोलते हैं गलते से निकल जाना वो एल्जाइमर नहीं होता ठीक है करेक्ट लेना प्लीज थोड़ा सा अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट आपको क्या चूज करना है जहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो और आपको वो चूज करना है जो डाइवर्जेंट नहीं है

किस में आता है एनोलॉगी में आता है आगे देखो कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ वॉट वाइटमिन बी ए डी ई ई ए डी किसकी आपकी वाइटमिन वैल्यू बढ़ाई दी जाती है जब आपका मिल्क से कर्ड बनता है है तो हमको पता है कि जब भी मिल्क से कर्ड बनता है तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा बी ट्वेल्व आ जाएगा जिसकी वैल्यू बढ़ती है राइट right? आगे देखो आगे क्या है कि सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन अ फोर फोर्म ऑफ मेरी वर्टिब्रटीज एग्जांपल ऑफ अगर आपके पास फोर लिम्स हैं जिसकी सिमिलरिटी आपको देखना को मिल रही है स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही है तो आप वहां पे क्या कहोगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनोलोगी होमोलोगी एंड अडप्टिव रेडिएशन एंड अडप्टिव रेडिएशन ठीक है ध्यान से देखो सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन फोर लिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट जब आप सिमिलैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो सिमिलैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या बात होती है जल्दी से देखिए

जल्दी बताइए जल्दी बताइए कौन से कौन से ब्लड से रिलेटेड है फटाफट से बता दीजिए यस सी बी सीई देखो डोमिनेंस है? है क्या बिल्कुल है अगर किसी को लग रहा है कि डोमिनेंस नहीं है तो गलत सोच रहे हो तुम गलत तो सोच रहे हो तुम गलत सोच रहे हो तुम अगर तुमको ये लग रहा है कि हमारे पास डोमिनेंस नहीं होगी अगर तुम्हारे पास ऐसे वाली कंडीशन है तो ये क्या है डोमिनेंस नहीं आएगा क्या यहाँ पे डोमिनेंस नहीं आएगा क्या यहाँ पे डोमिनेंस बिल्कुल चलती है कॉ डोमिनस कब होगी कॉ डोमिनस जब आपके पास आई ए और आई बी हो तो कॉ डोमिनस भी आपके पास चलती है मल्टीपल एलालिज्म बिल्कुल है और मल्टीपल एलॉलिज्म एक पर्सन में नहीं होता ये एक पॉपुलेशन में होता है ये भी तुमको याद रखा पर्सन में तो दो ही होते हैं

है ना अगर आप पोलपलियो की बात करो जैसे फिनाइल कि हो गया ठीक है तो ये मल्टीपल एलरिज्म अलग कंसेप्ट है उससे कोई नजर नहीं है इसका इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है कि ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करता है लिविंग प्लान प्लांट्स पे उसको हम सेप्रोफाइट कहते हैं अच्छा सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कोल्ड शीत सेल्स अच्छा फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कोल्ड कैरियोगी अच्छा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्मीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट इज कोल्ड प्लाज्मोगी प्रोटोप्लास्ट प्लाज्म की बात की गई है और ये आपका है इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर से ठीक है अब जल्दी से बताओ कौन सी करेक्ट है होता है होता ये सेल नहीं होता है हेट्रोसिस्ट होते हैं ठीक है कैरियोगी फ्यूजन ऑफ टू सेल नो no, बिल्कुल भी नहीं टू सेल्स को कैरियोगी क्यों बोलेंगे भाई हम क्यों बोलेंगे कैरियोगी दो, दो सेल्स के फ्यूजन को बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है आपका जो डी स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा डी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा जहां पे दो प्रोटोप्लास्ट को जब हम फ्यूज कराते हैं है ना चाहे वो मोटाइल हो चाहे नॉन मोटाइल हो उसको हम प्लाज्मोगैमी कहेंगे राइट right? क्या कहेंगे उसको प्लाज्मोगैमी इसने कहा ना टू सेल्स हम जब भी हम टू सेल्स की बात नहीं करते न्यूक्लियस को कैरियोगैमी कहा जाता है, है ना सेल्स जब फ्यूज हो रहे होते तो उसको हम कैरियोगैमी नहीं कहते उसको हम सिंह बोलते हैं अगर वो आपके क्या है से तो है ना आगे देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर आपका डिफरेंस इन्वॉल्व uh, किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए सैटेलाइट एंड रेपटेटिव एंड रेपटेटिव जिसके बेस पे जिसके बेस पे हम क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं वो कौन सा रीज़न है जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है हमारे डीएनए के अंदर वो कौन सा पोर्शन है जल्दी बताओ उसको हम क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फिक डीएनए क्या कहेंगे पॉलीमॉर्फिक डीएनए जो वेरिएशन रखता है नॉट रेपिटेटिव हम वीएनटीआर की बात नहीं कर रहे हैं। इसने कहा है है कि जो डिफरेंस क्रिएट करता आइडेंटिफाइंग डिफरेंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहे हैं हम याद रखना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हो तो पॉलीमॉर्फिक डीएनए की बात करते हो रिपेटेटिव रिपोर्टेटिव की बात नहीं होती है यहाँ पे आगे देखो अच्छा हाँ ठीक है ठीक है अरे थोड़ा करेक्ट करो भाई इसको थोड़ा करेक्ट करो ये पॉलीमोर्फिजम किसकी वजह से आता है ये पॉलिमोर्फिजम इस रेपिटेटिव की वजह से ही तो आएगा हाँ ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एट द एंड हम इसी के बारे में बात करेंगे रेपिटेटिव करो इसको रेपिटेटिव ठीक है आगे आगे देखो आगे क्या है करेक्ट स्टेटमेंट आपको सही स्टेटमेंट चुननी है सही statement कौन सी है आपके पास है कि दॉर्डिंग स्ट्रैंड स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज अरेक्टरस्टिको कैरियोस इन कैपिंग मिथाइल इन ट्राई फोर्स इज एडेड टू थर्ड एंड आर एन ए पॉलिमर इज फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया सो वी ऑल नो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसने कहा no. अच्छा। फिर है, अच्छा, होते भी हैं फिर कह रहे हैं कैपिंग किस पे होती है फाइव पे थर्ड पे होती है गलत। किस पे होता है फिफ्थ पे होती है तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है गलत है आपकी कौन सी सिर्फ और सिर्फ डी स्टेटमेंट ठीक है बाकी सारी गलत है फिर कह रहे हैं साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग इज़ फोटोपीरियोडिज्मीबर्स लीफ शूट एपेक्स एंड स्टेम प्लांट कहाँ से रिसीव करता है लाइट को भाई देखो फिलहाल के टाइम पे ना मेरा पेट करने लग गया गुड़ 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 करने लग गया है, है ना अब ठीक है तो आंसर क्या होगा भाई लीफ ऑलवेज इन ऑलवेज लीफ सही आपका आता है आगे देखो इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर देर इज अकेजम दैट द स्पीशीज माइट है अच्छा हाँ ये बड़ा ध्यान रखना जब भी आप पैरासिटीज्म की बात करते हो ना अगर आपका होस्ट इवोल्व कर रहा है ना तो पैरासाइट भी इवोल्व कर जाता है कोई इवोल्यूशन चलता है उन दोनों का ठीक है चलो म्यूचुअलिज्म प्रशन रिसोर्स पार्टीशनिंग एंड कॉम्प कॉम्पिटिटिव रिलीजिंग बताओ ये कहाँ पे किसके बारे में बात की गई है किसके बारे में आपकी ये बात की गई है कि अगर आपके पास इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है याद रख लो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है जहाँ पे कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज आपस में

बिल्कुल सही बताओ जल्दी से एमेंसलिज्म क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तो अगर तुम बात करो यहाँ पे जैसे मैंने पेंसिलियम का एग्जांपल दिया था एंटीबायोटिक तुम लोग खाते हो तो बैक्टीरिया की जिंदगी चली गई पेंसिलियन का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो आंसर क्या है पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो द प्रोडक्शन ऑफ गेमेस बाय द पेरेंट फॉर्मेशन ऑफगोट एफ वन एंड एफ टू प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड पुनेट स्क्वायर नेट स्क्वायर बुलेट स्क्वायर पंच स्क्वायर जल्दी बताओ हम सबको पता आंसर क्या होगा गैमिट्स की बात करते हैं तो हमारे कैसे बनेंगे एफ टू कैसे बनेंगे ये हम कैसे देखते हैं पुण्य स्क्वायर से पुण्य स्क्वायर मैथड से जो हम ये डब्बे बनाते हैं ये डब्बे ये पुण्य स्क्वायर होता है आगे देखो डीएनए स्ट्रैंड जो है एक जेल स्टैंड ब्रोमाइड अंडर यूवी रेडिएशन कैसा होगा इसने क्या कि भैया आपने ब्रोमाइड से एक डीएनए को स्टेन कर दिया है कैसा नजर आएगा यूवी रेडिएशन में डार्क रेड ब्राइट ब्लू येलो बैंड ये ब्राइट ऑरेंज कैसा नजर आएगा जल्दी बताओ सो वी ऑल नो वट विल बी द आंसर डार्क रेड नो ब्राइट येलो नो ऑरेंज ऑरेंज बैंड नजर आते हैं ऑरेंज बैंड ब्राइट ऑरेंज बैंड ठीक है आगे देखो द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट याद रखना डिफरेंट प्लांट हमने बोला है तो इसमें से आपका कौन सा पॉलिनेशन होगा बट ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा चेज्मो क्लिस्ट्रो जीनो जिटनो बताओ जल्दी बताओ भाई कौन सा है यहां पे फटाफट से बताइए पोलिनेशन होगा पे। अगर आप डिफरेंट प्लांट्स की बात कर रहे हो तो, कार्बन नाइट्रोजन फॉसफोरस एंड कैल्शियम स्टैंडिंग स्टेट स्टैंडिंग क्रॉप क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स कॉम्युनिटी कम्युनिटी यस बताओ बिल्कुल हमको पता है अगर हम बात करते हैं किसी भी लिविंग बायोमास की बात करते हैं अगर हमको किसी भी टाइम पे किसी ट्रॉफिक लेवल का बायोमास जानना हो तो हम उसको कहेंगे स्टैंडिंग क्रॉप अगर हमको न्यूट्रिएंट वगैरह जानने हो तो हम उसको कहेंगे स्टैंडिंग स्टेट क्या कहेंगे स्टैंडिंग स्टेट स्टैंडिंग स्टेट होगा जो हम कहेंगे कि मैंने कहा इस मिट्टी को उठाया और मैंने कहा बताया इसके अंदर कितने न्यूट्रिय है दैट विल बी कोल्ड स्टैंडिंग स्टेट ठीक है आगे देखो अगर आपके पास एक इक्वेशन है जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी तो यहाँ पे आर का मतलब क्या है आर का मतलब क्या है इन्वायरमेंटल फैक्टर रेस्पिरेशन लॉस रेडिएट एनर्जी रिटार्डेशन फैक्टर यस बताओ जल्दी से शिट oh, मैंने इसका आंसर इधर रखा हुआ है पहले भाई इसका तो आंसर मैंने पहले लिखा हुआ है अच्छा हाँ आपको जो पीडीएफ मिलेगी ना वहां पर आपको टेंशन नहीं लेनी है आपको आंसर शुरू नीचे मिलेंगे कोने में एक तरफ लगे हुए ठीक है

चलिए म्यूटेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यस हम सबको पता है आंसर क्या हो जाएगा यहां पे नेचुरल सिलेक्शन नो जेनेटिक ड्रिफ्ट है बॉटल नेक इफेक्ट भी आता है वो भी किसके अंदर आता है इसी के अंदर आता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है नॉट करेक्ट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इको सिस्टम इज अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इनवर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट यस अच्छा हाँ बायोलॉजी बाय सोनिया चहल करके तुमको मिलेगा टेलीग्राम चैनल ओपन ग्रुप है ज्वाइन कर लेना पी डी वहाँ मिल जाएगी अदरवाइज आप कम्युनिटी पे जा सकते हैं कम्युनिटी पे चले जाओ टेलीग्राम ज़्यादा वो रहता है कम्युनिटी पे थोड़ा कई बार भूल जाती हूँ मैं और टेलीग्राम पे डायरेक्ट इधर से चला जाता है राइट तो बायोलॉजी बाय सोनिया चैनल डायरेक्ट ओपन चैनल है ओपन ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो ओपन है बिल्कुल ओपन है बस सर्च करना मिल जाऊंगी तुमको मैं वहाँ पे तो देखो यहाँ पे इसने गलत स्टेटमेंट चुनने को कहा है तो हमारे पास बायोमास का सी अपराइट नहीं होता गलत हो गया ये इनवर्टेड होता है कैसा होता है ये आपका इनवर्टेड होता है ठीक है आगे देखो डायडेल्फस स्टेमेंस आर फाउंड इन डायडेल्फस मतलब दो तरीके के जो आपके पास वहां पे ग्रुप बनते हैं वो बताना है स्टेमेंस पी चाइना रोज एंड सिट्रस चाइना रोज एंड सिट्रस किसे मिलेंगे टू टाइप ऑफ ग्रुप आपको मिलेंगे अलग अलग लेंथ के अकॉर्डिंगली किस में मिलते हैं ये चाइना रोज एंड सिट्रस में दोनों में मिलेंगे चाइना रोज एंड सिट्रस विल बी द करेक्ट आंसर आगे देखो जब आपका जीन टारगेट कर रहा होता है व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इट इज़ नॉन एज जब आप किसी पर्टिकुलर जीन को टारगेट कर रहे हो कि भाई ये जीन मैं इसको बार बार इम, इसी जीन को मैं एम्प्लीफाई करना चाहता हूँ इसी को बढ़ाना चाहता हूँ ठीक है क्योंकि मुझे एक डिजीज ट्रीट करनी है इसको हम क्या कहेंगे मोलिकुलर डायग्नोसिस सेफ्टी टेस्टिंग बायोपायरसी जीन थेरेपी जीन थेरेपी Hibiscus, no, हाँ, hibiscus, बिल्कुल, hibiscus. क्या हो जाएगा ये जीन थेरेपी जीन थेरेपी जैसे एडीए में करते हैं एडिनोसिन डीएमआईनेस में राइट आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर स्टेप इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के करेक्ट स्टेप कौन से कौन से हैं एक्सटेंशन डी नेचुरेशन एनलिंग एनलिंग डी नेचुरेशन एक्सटेंशन डी नेचुरेशन एनलिंग एक्सटेंशन हाँ डी नेचुरेशन एक्सटेंशन एंड एनलिंग यस ईजी है डाई

डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन मॉलिकुलर डायग्नोस एंड जीन एम्पलीफिकेशन बहुत ईजी है जो पीसीआर जिसमें हेल्प नहीं करता है पीसीआर का कोई लेना देना उससे नहीं है वो आपको बताना है पीसीआर का कोई लेना देना उससे नहीं है बताओ आंसर क्या होगा प्योरिफिकेशन प्योरिफिकेशन हम नहीं करते हैं भैया उससे राइट right, हम प्योरिफिकेशन नहीं करते हैं आंसर क्या हो गया ए

आंसर आंसर क्या नो सेल्ड सेल्ड राइट तो विल बी सी आगे देखो आपने किया टेक्नोलॉजी का आपने इथेनॉल डाला उसके प्रेसिपिटेशन के लिए ठीक है तो ये आपकी प्रोसेस जो है कौन सी आरएनए डीएनए आपने किसकी प्योरिफिकेशन किया आपने... अरे, इसमें से नहीं पूछा उट वॉट क्या चीज निकल के आएगी हम सबको पता है जब भी हम प्रेसेशन करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा क्या निकल के आएगा डीएनए ही निकल के आएगा ना प्रेसेशन में और क्या निकल के आएगा प्रेसेशन निकलेगा डीएनए निकलेगा आगे देखो सिक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर इन ए लिंक डी एन इन ए वैक्टर मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके पास एक सिक्वेंस है एक चीज होती है जो कि आपकी कॉपी नंबर को डिसाइड करती है कि भाई वही सपोर्ट करेगी पहले रिकॉग्नाइजेशन रिकोगनाइजेशन सिलेक्टेबल मार्कर और आई और आई तो स्पूलिंग 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 हाँ प्रोसेस तो स्पूलिंग होगी नो डाउट प्रोसेस तो स्पूलिंग होगी बट हम निकालेंगे क्या डीएनए बिल्कुल सही बताओ कौन सी चीज कौन सा सीक्वेंस है जो कि हमारा नंबर को कॉपी नंबर को डिसाइड करता है कंट्रोल करता है सो वी ऑल नो जो इसको कंट्रोल करता है दैट दैट इज इज आगे देखो आपके पास एक स्पेसिफिक पैलेंट्रोमिक सीक्वेंस है जो रिकॉग्नाइज किया जाता है इको आरविन से, इक से, इक से ऐसा ही हमने क्वेश्चन पहले कर चुके हैं बट वहां पे आपको ईको आर मेंशन नहीं किया था आपके बार इको आरवर मेंशन नहीं ये आपको बताना है डू यू रिमेंबर आपको मैंने ये बताया था ये वाला इसके लिए बताया था ये भी आपको बताना है यस आंसर क्या होगा ए नो नो नॉट डी नो यस बिल्कुल सही आयुष बिल्कुल सही क्या हो जाएगा सी हो जाएगा गाटस हमारा यहाँ पे हो जाएगा और ये वाला जो हमारा है ये किसके लिए हो जाएगा बी ए एम एच वन के लिए किसके लिए बी ए एम एच वन के लिए आगे देखिए आगे क्या है आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट ऑफ विद द रेफरेंस टू द इम्यूनिटी इम्यूनिटी के कॉन्टेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये आपको बतानी है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स

बिल्कुल सही पहले वाला एक्टिव इम्यूनिटी क्विक नहीं होती है फुल रिस्पॉन्स तो देती है बट कैसी होती है स्लो होती है कैसी होती है स्लो होती है आगे देखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय बोवरी मॉर्गन मैंडल एंड सटन बोवरी मॉर्गन मैंडल एंड सटन जल्दी बताओ जल्दी बताओ पांच क्वेश्चन और रह गए हमारे बहुत कम शाबाश शाबासी तुम सबके लिए जिन बच्चों ने शुरू से लेके एंड तक हंड्रेड क्वेश्चन करे हैं उन सबके लिए तालियां मैं पहले ही बजा रही हूँ क्वेश्चन पहले पहले होने से यू डिड वेरी वेरी वेल वेल बहुत अच्छा तुमने करा है ठीक है स्पेशली आयुष राहुल मिस प्रिया प्रियांशी तुम स्पेशली चार बच्चों के लिए मैं बोलूंगी निवेदिता इज देयर यस निवेदिता राइट ये शुरू से लेके एंड तक बने रहे हैं एंड

जल्दी बताइए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल इथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन जो कि ऑरेंज ऑरेंज कलर के ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड देगी यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे देखो नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आपका देखो ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे रेप्लिकेशन हो हेलिक्स को तो एक ही खोलने वाला आता है डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमरेज आरएनए लाइगेज और कौन आएगा जो कि उस हेलिकल को खोल रहा होगा ओपन कर रहा होगा कौन है जो कि उसको ओपन कर रहा होगा हाँ जी आप पूछ सकते हैं आयुष आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं मैं आपको आंसर कर दूंगी आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिए आप मैं आंसर कर दूंगी उसको ठीक है सो आंसर क्या होगा हमारा डीएनए हेलीकेज आंसर क्या होगा अभी डीएनए हेलीकेज ठीक है आगे देखो इन विच ऑफ द द फॉलोइंग टेक्निक एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट फीमेल हु कैन नॉट कंसीव जो कंसीव नहीं कर सकती हैं कंसीव का मतलब समझते हो प्रेगनेंसी उनको हो नहीं सकती फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता वहां पे देर कैन नॉट बी एनी फर्टिलाइजेशन फ्रेंडली नहीं है वहां पे इनवायरमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए वहां पे आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं आईसीएसआई गिफ्ट आईसीएसआई जेड आई एफ टी आई टी जी आई एफ टी जेड आई एफ टी य में भी हेलीकेज यहां भी हेलीकेज यस चलो जल्दी बताओ शाबा से क्या हो जाएगा आंसर जिफ्ट एंड आई यू टी आई एफ जिसको आईवीएफ जिसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं आगे देखो 99 आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग बेसिक अमीनो एसिड कौन से है वो आपको बताने हैं एंड ग्लूटामिक एसिड अगर आपको ध्यान है तो हमने इसको करा था किसके अंदर हमने इसको करा था अमीनो एसिड्स को हिस्टोन में कि आर्जिनिन एंड लाइजिन वर टू अमीनो एसिड जो आपके हिस्टोन को पॉजिटिव भी बनाती है प्लस बेसिक भी बनाती है तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा लाइजिन एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन फाइनली फाइनली दो घंटे से पहले इलेवन फिफ्टी सेवन हुआ है दो घंटे से पहले दो घंटे के अंदर अगर लॉजिकली देखो तो हमने दो घंटे हमारे हुए नहीं है बहुत टाइम बाकी हमने दस मिनट लेट शुरू किया था स्पेशली तो uh, मेरे जो छह खास बच्चे जिनके मैंने दो मिनट पहले नाम लिया था प्रज्ञा आयुष राहुल निवेदिता और आपकी मिस प्रिया एंड uh, प्रियांशी ये छह बच्चे इन्होंने शुरू से लेके एंड तक क्वेश्चन किया ब्रावो ब्रावो भाई ब्रावो

लास्ट क्वेश्चन और जिन बच्चों को नहीं पता है देखो, ये तो को क्लास हो रहा है ठीक है बट रेगुलर जो हमारी क्लास होती है मैं आपकी ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे इन तीन दिन पांच बजे क्लास लेती हूँ फाइव पी किसके लिए प्रॉपर सेवरिटी के लिए बोर्ड वाले बच्चे भी कर सकते हैं ठीक है बट जो स्पेसिफिकली बोर्ड वाले बच्चे हैं उनकी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास होती है ग्यारह बजे इलेवन पी एम बट आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं थ्यूरी के लिए मंजिल टू पॉइंट जो कि आपकी बोर्ड में भी हेल्प करेगी सीट में भी हेल्प करेगी टी टी एस में फाइव पी एम आप ज्वाइन कर सकते हैं राइट right? एंड जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे आ सकते हैं दो बजे सीटी हिंदी मीडियम पे और आंसर इसका क्या आ जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग एंड फाइनली क्वेश्चन खत्म अभी आयुष के क्वेश्चन के बारे ये आयुष पूछिए बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया अभी नहीं जाना है आफ्टर टू मिनट विल गो राइट वि, आफ्टर टू मिनट विल गो देखो आपको पूरे टाइम पे मैं छोड़ूंगी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आयुष आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन बेटा आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चन देखो आपके पास है तब तक आयुष क्वेश्चन भेज रहे हैं तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है अगर तुमको लग रहा है कि मैम हमारे पास सिर्फ यही क्वेश्चन नो लेट मी टेल यू आपके कम से कम वन एटी नाइन क्वेश्चन है ये टू हंड्रेड में करने की सोच रही थी बट हुई नहीं टोटल वन एटी नाइन क्वेश्चन है ठीक है ओके हमारे पास यहाँ पे 189 एटी नाइन क्वेश्चन है टोटल राइट ये आपको करने हैं अब देखो मैं इसको 200 करके दे दूंगी आपको बट अभी आपको ऐसे दूंगी बट लेटर ऑन दो दिन क्वेश्चन आपको मैं बाद में एड ऑन करके दे दूंगी मेरे को टाइम नहीं लगा तो फिर मैं 200 करने की सोच रही थी बट टाइम हो गया क्लास का तो मैं क्या चलो इसलिए मैं 10 मिनट लेट भी हो गई थी राइट right? तो आपको वन क्वेश्चन करने हैं टोटल ठीक है वट इज फंक्शन ऑफ आर एंड डाइसर इन आर एन इंटरफेरेंस आई एम थिंकिंग क्वेश्चन इज विजिबल ये बिल्कुल 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 आपका क्वेश्चन बिल्कुल विजिबल है भाई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम या परेशानी की बात नहीं है राइट right? करा ही दे नहीं बेटा अभी बारह बजे कांक्षी अभी आए हैं येस yes, अभी आपका नहीं होगा क्योंकि पेड क्लासेस मेरी हैं 12:30 से जो पेड़ वाले बच्चे हैं प्लीज़ आप मुझे पेड़ में मिलिए क्योंकि 12:30 से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके भी जो इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन है वो आपका शुरू होगा अभी ट्वेल्व पे इसीलिए मैंने थर्टी मिनट का गैप रखा था मेरे को लगा था कि भाई उसमें चीज़ें होंगी नहीं एक मिनट रुक जाओ <coughs> आयुष भी पूरा ऐसा क्वेश्चन लेके आया है। कहते हैं मैम आपके बी एस लेवल भी फेल करा देंगे हम ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे यस ओके ओके मैंने देख लिया है भाई मैंने देख लिया है क्वेश्चन मेरे को विजिबल है डू नॉट वरी ठीक है क्वेश्चंस आपके विजिबल हैं इतनी चिंता मत करो क्वेश्चन मुझे पूरे अच्छे से विजिबल है ठीक है अब देखो क्या है ना तुम्हारा क्वेश्चन भी तो इतना अच्छा है ना कि भाई टाइम लगेगा मुझे भी इतना जल्दी इतना डेप्थ में मैंने भी नहीं कभी पढ़ाया किसी बच्चे को ठीक है Yes, केमिस्ट्री का ओ oh, केमिस्ट्री के भी है आज यार मेरे को तो ध्यान ही रखे पर तो पेड़ है ना कोई नहीं पेड़ तुमको करनी पड़ेगी बेटा ए वन शॉर्ट क्वेश्चन जाएगा अच्छा देखो यहाँ पे ना ये आपके वैसे तो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल जा रहा है भैया पहले ही पहले बता दे रही हूँ हम तो ठीक है ये आपके नीट में या सी में भी संबंधित नहीं है ये बट स्टिल यू आर गोइंग फॉर इट तो देखो है क्या ना कि आपके पास जो डाइसर और यह आइसर जो भी हैं आपके हैं ठीक है डाइसर और आपका जो रिस्क आ जाता है जिसको आप बोल रहे हो आई आर आई एस सी यहाँ पे इनकी अलग अलग प्रोसेस जैसे कि अगर तो आप तुम डाइसर की बात करते हो तो यहाँ पे इसकी प्रोसेसेस में बहुत हेल्प करता है दो आपकी डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस होती है जिसमें ये पर्टिकुलरली हेल्प करता है फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ पे क्या कर रहे हो स्प्लाइसिंग कर रहे हो

ठीक है बट अगर हम दूसरे की बात करें तो जब हमको आर एन डिग्रेड करना होता है ना जब हमको कोई भी डिग्रेडेशन करना होता है तो हमारा आर आई सी एस सी का कॉम्प्लेक्स को डिग्रेड करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं राइट right, राइट right, बाकी हालांकि इसका इतना ज्यादा हमको करना था नहीं जितना डेप्थ में आप गए हैं ठीक है थीके? चलो बहुत सेंस एंड एंटी सेंस बनाते हैं उनको कट करने के लिए फ्रेगमेंट करने के लिए काम आता है डाइसर यस आपको पहले ही पता है मुझे टेस्ट कर रहे थे या फिर मुझसे पूछ रहे थे यस तभी तो देखो सेंस और एंटी सेंस क्या होता है सेंस होता है जिससे आपका एम बनता है अब हमारे पास दो तरीके से चीजें चलती हैं वेट ए मिनट अब हम ये बात आई ही है तो इसको हम कर लेते हैं देखो हमारे पास ना बेटा कैसे होता है हमारे पास फाइव टू थ्री आरएनए डीएनए है इधर थ्री टू फाइव होगा हमारा आरएनए किससे बनेगा इससे हमारा आरएनए बनेगा ये हमारा डीएनए है ना ये हमारा डीएनए है, है तो ये हमारा एज अ टैंपलेट जाएगा तो हमारा आरएनए फाइव टू थ्री बनेगा है ना तो जो फाइव टू थ्री वाला हमारा आरएनए बनता है इसको हम सेंस बोलते हैं सेंस इसको पॉजिटिव भी बोल देते हैं कई बार पर कई बार हमारा जो आर एन ए है कुछ ऐसे वायरसेस आते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जहां पे हमारा फाइव टू थ्री आर एन ए नहीं होता वहां पे हमारा थ्री टू फाइव आर एन ए होता है अब इसको हम कहते हैं एंटी सेंस अगर हमारे पास ऐसे वाला सीक्वेंस इसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं हम इसको कहते हैं एंटी सेंस इसको हम क्या कहते हैं एंटी बोलते हैं और ये जो एंटी सेंस वाला आपका आर एन ए है इसको हम पहले फाइव टू थ्री में कन्वर्ट करेंगे फिर जाके ये प्रोटीन अपना एक्सप्रेशन देता है राइट right? फिर जाके एक्सप्रेशन देता है ये एंटी सेंस और सेंस आपका जब दोनों आप बात करते हो डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो एंटीसेंस सेंस क्या है एंटी सेंस होता है थ्री टू फाइव सेंस होता है फाइव टू थ्री आर एन ए और यही आपका

पांच मिनट ऊपर हो गई है फोन भी चार्ज लगा लेना आधे घंटे में तुम पहुंचे जाओगे सो बाय एवरीवन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन ओके